छोटी बीपीएल में आज का मैच तीन टीमों का भविष्य तय करेगा। जहां जयपुर बैंगलोर जीत के लिए खेलेगी, वहीं मुंबई की नजर रहेगी बैंगलोर की जीत पर। सो लेट्स वेलकम हमारी पहली टीम जयपुर राजशीले। और अब बुलाते हैं अपनी दूसरी टीम राउडी बैंगलोर को। ये क्या हो रहा है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ नया नया है। सुमित मेरा क्यूट सा दोस्त कहाँ गायब हो गया? मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले धन्यवाद। तुम जीती रहो। नहीं, तुम्हें धन्यवाद नहीं बोल रहा हूँ। सुमित को छोड़ो यार, मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ उस इंसान को जिसने मुझे लास्ट टाइम ये बोला था कि ऊपर बैठ के बोलने में ज्यादा हिम्मत नहीं लगती, अगर हिम्मत है तो नीचे। तो मैं आ गया। कौन है आदमी? वही आदमी। हाँ। जिसका नाम है राजीव ठाकुर। बापे, बहुत डेंजर आदमी है। तो वेलकम टू फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग। हमारे स्टार पार्टनर है लोमैन पेज 3 और हमारे हेल्पफुल पार्टनर है French.US। फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग देखकर आप हम तक अपना कोई भी मैसेज पहुंचा सकते हैं। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं बिटवीन 4:30 PM टू 6 PM सैटरडे एंड संडे। बेस्ट ट्वीट ऑफ दिस वीक विल बी फीचर्ड अगले हफ्ते के एपिसोड में। #FruityBCL यूज करो और हो सकता है कि तुम्हें भी मिल जाए कुछ स्पेशल फ्रूटी BCL मर्चेंडाइज, वो भी मुफ्त। फ्रूटी BCL की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि ये जा रहा है अब इंटरनेशनल। जी हाँ, टॉप 4 टीम्स ऑफ फ्रूटी BCL विल गो टू सैन फ्रांसिस्को। आज का मैच है बिटवीन जयपुर राजजोशीले वर्सेस राउडी बेंगलुरु। जयपुर और बैंगलोर के बीच आज डू और डाई का मैच है। एक और जहां जयपुर इस जीत के साथ सेमीफाइनल्स में जगह बना लेगा, वही बैंगलोर को सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए न सिर्फ जीतना होगा बल्कि कम से कम 58 रन का मार्जिन भी रखना होगा ताकि वो रन रेट में मुंबई को पछाड़ सके। आज दोनों टीम्स के बीच होगी जबरदस्त टक्कर और जीतेगा वही जो देगा अपनी असली क्रिकेटिंग हुनर का परिचय। अब बुलाते हैं दोनों टीम्स के कैप्टन्स राजीव ठाकुर और काम्या पंजाबी को, और राउडी बैंगलोर से बुलाते हैं पुरु छिब्बर और शिखा को। आपको क्या लगता है, रूडी BCL में आपकी टीम आज जीत का डंगा बजा पाएगी? बिल्कुल बजा पाएगी, एंड हम लोग की पूरी उम्मीद है आज जयपुर को हरा कर आगे जाने की। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। राजीव जी, बहुत बहुत थैंक यू। क्या है कि इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे नीचे खड़ा हुआ हूँ, नहीं तो मैं उधर बैठा रहता था, है ना? आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, उस जगह से आपको स्पेशल प्यार है, आप अगर कहो तो आज कमेंटेटर रखें या हटा दें? नहीं, रखो यार। रखें? रखो। तो चलो भाई, आज राजीव ठाकुर ने बोल दिया है कि कमेंटेटर बोल सकता है, वो बात कर सकते हैं, तो फिर मैच शुरू कर लेते। हाँ। चलिए, अंपायर वाले बाबू जरा टॉस करा दे। एक तरफ है पारो, दूसरी तरफ है देवदास। अच्छा, इधर कौन पारो और इधर कौन देवदास? मैं पारो ही हूँ। आप हर जगह। देवदास बैठे। राउडी बैंगलोर ने बैटिंग मांगी, चेस करेंगे जयपुर राजजोशीले। लेट द गेम बिगिन। जयपुर की टीम पूरे जोश के साथ मैदान में उतर गई है
मैं और पुरु जा रहे हैं ओपनिंग करने, और मेरी टीम के लिए मेरा मन तो है कि मैं बहुत अच्छा खेलूं और बहुत सारे छक्के मारूं, पर कामयाब बहुत अच्छे से स्माइल करके बोल रहे आउट हो जा, तो अगर मैं आउट होऊंगा तो मैं कामयाब के लिए होऊंगा, छक्के मारूंगा तो अपनी टीम के लिए मारूंगा, अंदर जाके डिसाइड करता हूं कि बाय। और अब बैंगलोर की सलामी जोड़ी सिद्धार्थ और पुरु भी ओपनिंग करने आ गए हैं। जयपुर जोशीले अगर आज मैच जीत जाती है तो ये तो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गए, लेकिन राउडी बैंगलोर को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ बेस्ड है रन रेट्स पर। तो क्या राउडी बैंगलोर जयपुर जोशीले के जोश का सामना कर पाएगा? जयपुर की तरफ से इनिंग का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं बॉलर अंकित मुदगिल। जयपुर के लिए आज करो या मरो की स्थिति है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन और पुरु बिल्कुल धड़बम्ब हो गए हैं। भाई पुरु छिब्बर जो है राउडी बैंगलोर का सचिन तेंदुलकर विराट कोहली कहा जाता है, दे छक्के दे चौके देता, लेकिन आज पुरु शुरू नहीं हो पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता हंसनंदानी की हंसी देकर अभी से चंडीगढ़ के लिए खेलने के सपने देख रहे हैं पुरु? के बाद बैंगलोर ने बना लिए हैं 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आपने टॉस जीता, बैटिंग मांग ली है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका थैंक यू वेरी मच हो आज। नहीं अभी तक तो नहीं, वंस इन अ व्हाइल हो जाता है कि आपका एक विकेट गिरता है तो सडनली टक 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 जो हमारे पिछले मैच में अनफॉर्चूनेटली हुआ था, लेकिन आज हम लोग डटे हुए हैं और हम यही सोच कर आए हैं कि आज हम जीत कर जाएंगे। पर ऐसा तुम चाहते हो कि थैंक यू वेरी मच हो? मैं चाहता हूं आप इसी तरह से आए, इसी तरह से मेरे कंधे पे हाथ रखें, इसी तरह से बात करें, फाइनल भी आप खेलें और जीत जाएं। थैंक यू सो मच प्रीतम भैया, वी ऑल लव यू। जयपुर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आ गए हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट बॉलर पारस बब्बर। अरे रे रे भयंकर, कहाँ से उसने भैया, ईस्ट से वो रन अप लिया उसने और वेस्ट में उसने बॉल को फेंका है, ऐसा घबड़भंब बॉलर है। एक एक्टर हुआ करते थे बहुत साल पहले, मोहन चोटी नाम था उनका। वो तो दिखाई दे नहीं रहे, लेकिन ये सीट के पीछे की चोटी देखी इतनी सी, बड़ी मुश्किल से उसने रबर बैंड लगाया उस पर खींच करके। स्थिति सेम है आज राउडी बेंगलोर की, खींच के निकालना पड़ेगा इस गेम से अगर आगे खेलना है तो। अरे दिखी नहीं भाई साहब के, एक और सिद्धार्थ, बॉल दिख नहीं रही, यहाँ वहाँ क्यों जा रही है यार? मैं तेरे को देखने में बिजी था। टू ओवर स्कोर हुआ है 11 रन 0 विकेट के नुकसान पर। हाउ कम तुम आज इनका मैच देखने अपनी टी शर्ट पहन करके कैसा फील कर रहे हो सबसे पहले बताओ? मैं तो घर ही नहीं गया। मैं कल से नहीं घर गए हो तुम? नहीं मैं यहीं बाहर कहीं सोया था। डेडिकेशन है या फटी में हो? तुम चाहते हो कि आज राउडी बैंगलोर जीते? कोई भी नाम दे दो इसको, अल्टीमेटली मोटे भी है कि बैंगलोर जीते और 60 रन से कम से जीते तो मैं क्वालिफाई करूंगा। मैं समझ गया आदमी रात भर घर क्यों नहीं गया, पूरे कैलकुलेशन लेके बैठा था पेन कागज के ऊपर में। खाने में ना खाया, कुछ खाया? हाँ थोड़ा सा दिया लोगों ने मुझे। ये बराबर खाना खिला रहा है आर्टिस्ट को, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तीसरा ओवर वापस करने आए हैं अंकित मुदगिल, जिनका पहला ओवर भी सक्सेसफुल गया था। बाल,
अंकित और गगन के बीच में अंकित की बॉल पर गगन ने कैच आउट किया और सिद्धार्थ अपनी चोटी के साथ वापस अपनी टीम के पास। मैंने देखा है सिद्धार्थ को, जब सिद्धार्थ खेलता तो फोड़ता है। हाँ, exactly, तभी तो मैंने कहा अगर ये चले तो फिर हम चल दिए। हाँ, घर चल दिए। या तो ये बैग से फोड़ता है या ये मुंह से फोड़ता है। भाई इतना टैटू, इतना गुस्सा, उसके बाद सिद्धार्थ इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम आज बाहर? यार एक गेम है, इसमें हार जीत होती रहती है और अच्छी बॉल डाल रहे हैं वो लोग। कामे ने अच्छी टीम प्रिपेयर किया, अच्छे बॉलर है इसके बाद, और ये बड़ी अच्छी स्माइल करी पीछे से। मैंने कहा ये यार इसका दिल टूट जाएगा अगर मैंने बहुत छक्के मार दिए। यहाँ पे देखो मैं क्रिकेट विकेट में इंटरेस्ट है नहीं, सबको कामिया में इंटरेस्ट है। बात करते करते हाँ कामिया बड़ी अच्छी है, हाँ कामिया बड़ी अच्छी है, इसी के लिए लोग आउट हो रहे हैं। और अभी अगर कामिया ने बोल दिया फ्री हग तो सब आउट हो जाएंगे। सिद्धार्थ के आउट होने के बाद अब बैटिंग में पुरू का साथ निभाने आ गए हैं गुरमीत। राज, बैंगलोर के लिए बहुत जरूरी है कि वो ये मैच जीते, और सिर्फ जीते नहीं एटलीस्ट 56 रन से जीते ताकि वो सेमीफाइनल्स में पहुंच सके। शॉट है, सिक्स। नो, और ये नो बॉल, निश्चित नो बॉल। तीन ओवर के बाद रॉजी बैंगलोर्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 32 runs। बॉलिंग करते हुए पहले 4 ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है, और फ्रूटी बीसीएल के रूल के हिसाब से अगली एक फीमेल बॉलर होंगी चेष्टा भगत। कमाल की बॉल थी बस। आपके लकी मैस्कट लकी चार्म राजीव ठाकुर है, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स है। पिछले मैच में देखो उन्होंने फील्डिंग मिस करी, कैच छोड़े और आप लोग हार गए। आज भी देखो क्या हो रहा है, तो आप ऐसा पूरा सेट में बदलना चाहती हो अपने लकी मैच? जी बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा भरोसा है राजीव पर भी और पूरी टीम पर भी। एक बुरा दिन कुछ नहीं बदल सकता, तो मेरे लिए मेरी टीम विनर है और हमेशा विनर रहेगी, और ये मैच हम जीतेंगे। भगत के द्वारा और बहुत ही जबरदस्त कैच बलराज के द्वारा। पुरू छिप्पर, यू नो तुम्हारी टीम के तुम बेस्ट बैट्समैन हो, ऐसा जयपुर राज जोशीली भी कहती है। लेकिन ठीक है, आज बल्ला चला नहीं तुम्हारा और तुम जो हो आउट हो गए, लेकिन बहुत नाराजगी हुई तुमको, बहुत ज्यादा, बहुत गुस्से में आए तुम, बैटर पटक दिया तुमने, मैं डर भी गया था यार, बल्ली हिल गई यहाँ की, क्योंकि ये डू ऑर डाई मैच है, आई डिडंट परफॉर्म व्हिच आई वांटेड टू, बट होपफुली आज गुरमीत खेलेगा। बैटिंग करते हुए 4 पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना अति आवश्यक है, और रूल्स के हिसाब से अब बैटिंग करने आ गई है शिखा चौधरी। शिखा मार चक्का, और देखिए बेस नहीं करी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड बॉल, गुड बॉल, गुड बॉल, वेरी गुड बॉल। दूसरी बार आउट होने से बच गई है। गुड बॉल। शिखा का लेडी लक चल रहा है कमाल का, दूसरी बार बॉल जो है विकेट्स को टच हुई लेकिन बेल्स नहीं गिरी। आई टेल यू, शिखा का जो फोकस है ना वो उसकी शादी और हनीमून पर है, जो कि एडवेंचर होने वाला है। हनीमून, एडवेंचर, हनीमून, मेरा हो गया क्या? मेरे तो 2 भी हो गए। बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पे।
लगता है पिछले मैच के अपने खराब फील्डिंग की गलती को राजीव इस मैच में अच्छी फील्डिंग के साथ सुधारना चाहते हैं। ओवर। और इसी के साथ चार ओवर्स के बाद बैंगलोर ने बना लिए हैं 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शिखा, परसों शादी है ना, उसकी ज्यादा एक्साइटमेंट है या आज का मैच जीतने की? दोनों की। आज जीतोगे? बनो रे बनो मेरी चली ससुराल रे, अखियों में पानी दे गई। डागा तुम तो चुप ही रहो। पांचवा ओवर करने आ गए हैं बलराज, जिनका सामना करेंगे गुरमीत। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। पाजी जाबा, शाबाश, शाबाश। पुरू, क्या लगता है आज बैंगलोर का कितना स्कोर होगा? 150-160। That's it, 150-160, उससे ज़्यादा नहीं। दो ओवर बाद बताता हूँ। मुंबई टाइगर्स का सपना चूर चूर कर दिया आपने एकदम। या तो जयपुर जाएगा या बैंगलोर जाएगा सेमीफाइनल में, बॉम्बे नहीं जाएगी, आई गारंटी। बल्लेबाज के चेहरे पे इतनी घबराहट क्यों है अजय? और एक और सुधार के साथ एक और वाइट। एक और वाइट, एक और वाइट बॉल। ओह नो, वाइट बॉल। एक और वाइट बॉल, वाइट हो गई। एक और वाइट बॉल। काम्या, मंदिर जाके आई हो ना? मेरा घर ही मंदिर है यार। मंदिर से अगर होकर आए हो काम्या, तो क्या लगता है बलराज अभी कितनी वाइट्स और देने वाले? मैं अंतर्यामी हूँ ना, मुझे सब पता है। शालीन से स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई है काम्या बलराज को। हाँ चले अभी आगे खेले। गजब का भाई साहब। काम्या, गुरु कह रहा है या तो जयपुर जाएगी या रावड़ी बैंगलोर जाएगा, मुंबई को नहीं जाने देंगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं साथ में हूँ। ऐसी क्या दुश्मनी है मुंबई से? कोई दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं, मतलब जेलसी तो नहीं ना? हाँ वैसी है। मैं पंजाबी किसी से नहीं जलती। हाँ 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 हाँ। बाउंड्री। तो एक बात बताओ कि हाँ। ये सारे के सारे टीम वालों को तुमसे क्या प्रॉब्लम हो रही? राउडी बैंगलोर बोल रहा है हम हार जाए तो हार जाए, पर तुम्हें नहीं जाने देंगे। तीन टीम जो क्वालिफाई कर सकती हैं। हाँ। एक ये एक हम, एक आप, एक जयपुर। टेक्निकली हमारी गेम से पहले स्ट्रॉन्गेस्ट चांस था जयपुर का। हाँ। उनको एक ही मैच जीतना, कैसे भी जीते एक रन से जीते क्वालिफाइड है। हाँ। बैंगलोर का था कि अगर बैंगलोर जीते जयपुर से तो वो क्वालिफाई करती, अगर हम अहमदाबाद से हार जाते, ऐसा होना नहीं था। तो अब क्या होता है, हमारी रन रेट हो गई है प्लस 6.7। तो अब इनको 70 रन से जीतना है जयपुर से। तो अभी क्या है कि ये थोड़े हक्के बक्के हैं, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है अगर मैं यहाँ हूँ पता नहीं क्या हो जाएगा। राउडी बैंगलोर 5 ओवर खत्म होने के बाद 60 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पॉलिटिक्स की जा रही है यहाँ पे। पिछले मैच से हो रही है पॉलिटिक्स। हाँ, पीछे मुंबई का मैच भी हुआ, पूरी पॉलिटिक्स हुई है उसमें। और भी इसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है पूरी। मतलब ये जो जब टेलीकास्ट होगा ना, तब तेरे को पता चलेगा तेरे फैंस लोग कि तू चीटर है। जब डाउट है अगर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो उसको ही मिलना चाहिए ना। हर चीज बैंगलोर के साथ ही गलत होती है। मैंने देखा ओवर 5 या 6,
बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है और चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको शून्य स्कोर। चैलेंज ओवर, बॉलर नेम प्रताप, 12 रन टारगेट। शालीन, हाँ, ये देखो पुरु ने तो कह दिया है, यहाँ तक कि काम्या ने भी, कि सेमीफाइनल्स में या तो जयपुर जाएगी या बैंगलोर बॉम्बे को तो जाने देंगे ही नहीं। यार क्या कहना है? उनको अपनी उम्मीद है, मेरे को अपनी उम्मीद है, जो क्वालिफाई कर जाएगा पहुंच जाएगा। आपको उम्मीद है मुंबई की अभी भी? नहीं, मेरे को पूरी उम्मीद है बैंगलोर पे। पक्का? मेरे को पुरु पे उम्मीद है, मेरे को पुरु बहुत पसंद है, इसलिए मेरे को पुरु पे पूरी उम्मीद है। काम्या, अभी शालीन तो कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वो आराम से सेमीफाइनल्स में पहुंचेंगे। पहुंचेंगे, बैठ के मैच वैच देखेंगे वो। तो बैंगलोर भी जाएगा, जयपुर भी जाएगा, मुंबई भी जाएगा, कितनी टीम जाएंगे? भी ले चलो, मतलब गरबा थोड़ी खेलना है, क्रिकेट खेलना है। पांच बॉल पे 11 रन, देखते हैं क्या होगा। चेष्टा, चल अंकित आ जा इधर, चल चल, गुड बॉल, कोई बात नहीं, तेरी बॉल को नहीं मार सकते, चल मार। नहीं यार, क्या कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे असलम भाई, ये बताओ कितना स्कोर खड़ा किया जा रहा है, पकड़ लो जरा डंडा हाथ में। यार देखो, अभी बहुत मामला टेंस हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को कम से कम 225 रन बनाने पड़ेंगे और जिस हिसाब से अभी बैटिंग हो रही है, दिल्ली बहुत दूर लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वो सब ठीक है, ये पिछले दो मैचों से जो गायब है आपकी कौन महिला पूनम पांडे, ओए, 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 ओए। इसके बारे में क्या कहना है, क्यों गायब है? मतलब ठीक है, हार जीत तो होती रहती है, इसमें घबराने की क्या बात है? जिसने नेशनल टेलीविजन पर नेशनल टीम के लिए ये कह दिया हो कि तुम अगर जीतोगे तो मैं तुम्हें दूर के दर्शन करवाऊंगी, तो अब अगर हारती हो और नहीं भी करवाती है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे लगता है वो दूरदर्शन पर ही दूर के दर्शन हो पाएंगे। इस चैनल पे मुश्किल लग रहा है मुझे। ये चैलेंज ओवर जीतने के लिए अब बैंगलोर की टीम को चाहिए सिर्फ 3 रन 3 बॉल से। करते हुए रन लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे खतरा हो सकता है। कोई नहीं आएगी आएगी लूज बॉल आएगी आएगी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत टाइट सिचुएशन है, 2 बॉल और 3 रन चाहिए। बब्बर, क्या लगता है हो जाएगा ये 2 बॉल पे 3 रन? 2 बॉल नहीं होगी, नहीं कर पाएंगे। इजी आ रहा है बब्बर्स ब्रदर, नहीं मन में आया इसलिए पूछा। और इसी के साथ राउडी बैंगलोर ने जीत लिया है ये चैलेंज ओवर। And this becomes the fruity BCL mango bango moment. Taste the mango. 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 Do it the mango. छह ओवर के बाद राउडी बैंगलोर का स्कोर है 84 दो विकेट के नुकसान पर। जयपुर राज जोशीली की लड़कियां जो है पिंक में बड़ी खूबसूरत, एकदम पिंकी सी लगती थी, आज खेल भी बड़ा अच्छा रही है यार। हाँ एक्चुअली इसे पिंक में नहीं है, पिंक के साथ व्हाइट शॉर्ट्स, वो तुम भूल रहे हो। तुम एक से नजर हटाओ, लास्ट टाइम किसी एक की नजर इन पे गई थी, उनका पैकअप हो गया, उनका नाम है सुमित। ओ ऐसा,
मेरे को लगा था सुमित का बैकअप तो आरती की वजह से हुआ था। सुमित की नजरें हर जगह थी ना, और ये बात किसी को पता चल गई? शिवानी को पता चल गई। अरे शिवानी धर दबोचा। सब ओवर वापस लेकर आ गए हैं बलराज, जिनको वाइड फेंकने में महारत हासिल है। बॉलिंग बॉलिंग शाबाश 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 बल्ली। सामने जो पहलवान आई हुई है शिखा सिंह, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है नहीं इसने असली घी खाया नकली घी खाया, तो नहीं चल रही, 3 बार आउट हो गई है। मेरे ख्याल से पूनम पांडे को थोड़ा दूध दूध पिलाना चाहिए इनको यार, थोड़ा तगड़े बनाओ। पूनम पांडे को दूध पिलाना चाहते हैं प्रताप बड़ा, वेरी नोटी बॉय नोटी बॉय। लेकिन शिखा सिंह को असली घी नहीं खिलाया कह के गया प्रताप भाड़ा। आई वंडर अगर शिखा ने ये सुन लिया तो इसका घी तेल पसीना सब निकाल देगी। खतरनाक रन लिया गया है। ये क्या चक्कर है, कल से आप लोग घर नहीं गए यार, आप बनियान में बैठे हो। बनियान में इसलिए बैठे होप में कि भैया हम सेमीफाइनल्स में जाए। ये अर्जुन गायब है, अर्जुन कहाँ है? वो खुशी में घूम रहे होंगे मेरे ख्याल से। कुछ खाया है तुमने? नहीं वही मेरे को ये है कि मैं व्रत रखा हुआ है, जैसे ही बैंगलोर जीतेगा तभी तोड़ूंगा मैं, मुझे लगता है। ए साबूदाना लाओ रे, साबूदाना खा लो प्लीज, साबूदाना खिलाओ भाई को फ्रूट के साथ, ये होता पैशन। अर्जुन तुम गायब हो यार चौड़े में, कि चलो तुमने जो अच्छा खेला, क्या अच्छा खेला, 50 रन तो बनाए तुमने। नहीं तुमने अच्छा खेला ना खेला, तुम्हारा शो तो नंबर वन है, क्या जरूरत है इनकी, सुपर हिट शो चल रहा है गिर जाने में। गुरमीत आउट है या नहीं ये फैसला तो एम्पायर करेंगे, लेकिन इस अपील ने बैंगलोर और मुंबई दोनों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी है। अरे आउट है यार। आउट नहीं है, बिल्कुल आउट नहीं है, क्योंकि मैं आई प्ले फेयर गेम। निक लगा मैंने बोल दिया निक लगा, बट जब कैच किया, कैच करने का जो फॉलो थ्रू है उसका एक हाथ ऐसे जमीन भी लगा बॉल के साथ, तो वो मान ही रहे हैं वो। तो मेरे को पॉलिटिक्स की जा रही है यहाँ पे, पिछले मैच से हो रही है पॉलिटिक्स। हाँ तो पीछे मुंबई का मैच भी हुआ है, पूरी पॉलिटिक्स हुई है उसमें, इसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है पूरी। ये जो जब टेलीकास्ट होगा ना तब तेरे को पता चलेगा तेरे फैंस लोग कि तू चीटर है। अगली बार स्लीकोमीटर लगाऊंगा अपने पैसे से ये प्रूफ करने के लिए कि मैंने सही कैच पकड़ा था भाई। शिखा तुम्हारे हिसाब से आउट नहीं था क्या? मैं बल्ला मारूंगी। मेरे को क्यों मारोगी बल्ला, नहीं है, नॉट आउट है, नॉट आउट है। जब डाउट है अगर तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो उसको ही मिलना चाहिए ना, दिख रही है टप्पा हो रहा है यार, हर चीज बैंगलोर के साथ ही गलत होती है मैंने देखा। यहाँ पे तो मामला काफी गर्म हो चुका है। गुरमीत के आउट हो जाने से अब बैटिंग की बारी आ गई है अगले बैट्समैन जिमी की। विराट ठाकुर चल गया। विराट ठाकुर हमेशा चलता है। तो नहीं पिछले मैच में तो ऐसा हो ना पाया था, आपने कान में जाके याद दिलाया था कि तू ही मेरा लकी चाउ है वरना फोन तोड़ दूंगी। तुमको ये बोलने से खुशी मिलती है तो तुम बोलो। बहुत मजा आता है मुझे, बहुत मजा आता है मुझे, फोन तोड़ दिया मतलब मुझे ऐसी पंजाबी खून वाली लड़कियां बड़ी पसंद है। बताओ आज राजीव ठाकुर स्पेशल पार्टी मिलने वाली है, पूरी टीम को मिलेगी स्पेशल पार्टी अगर हम जीत गए तो। और शालिन? शालिन को मैं पार्टी में अपने साथ लेकर जाऊंगी। बलराज के लगातार दूसरे विकेट से अब बैटिंग पर आना पड़ रहा है नए बैट्समैन मोहित को। कम ऑन मोहित, हैट्रिक। सात ओवर के बाद राउडी बैंगलोर का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन। काम्या तुम वहाँ खड़ी हो इसलिए हुआ ये, हुआ ना खत्म हो गई बात, वो तो होना ही था। इसे कहते हैं वन टाइम स्लैप।
अच्छा ये राउडी बैंगलोर के डगआउट में वाली के लिए। देखो मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि जीतेगी तो बैंगलोर ही। वाह! अरे छोड़ो ये सपने देखना बंद करो, दिन में जयपुर जीतेगा। भाई हम घर से निकले थे ना सब, तो ये बोल के निकले थे कि हम जीत गए। अब आठवां ओवर करने आ गए हैं प्रताप हाडा, जिनका सामना करेंगी शिखा चौधरी। भाग 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 भाग! बॉल है यार। गुड बॉल, गुड बॉल। आज कितने पे पैकअप करने वाले तुम इनका? 120 से अंदर निपटा देंगे हम लोग। 120 से अंदर निपटा दोगे? 91 स्कोर हो चुका है। हाँ, अभी मेरा एक ओवर बाकी है और एक लड़की का ओवर बाकी है। पर शालीन मल्होत्रा कह रहे थे कि तुम लोग नहीं जीत पाओगे। शालीन मल्होत्रा को बोल, होता कौन है वो बोलने वाले? बहुत अच्छे गगन, ऐसे ही फील्डिंग करते रहिए ताकि स्कोर्स हमारे बनते रहे। चौका! आधा नागिन की तरह ही लहराई और बॉल छूट गई। आठ ओवर हो गए हैं। राउडी बैंगलोर का स्कोर 30 एक्स्ट्रा रन्स के साथ 95 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर। 7 से 10 ओवर के बीच में भी एक लड़की का ओवर होना अनिवार्य है। नलिनी नेगी आ गई है बॉलिंग करने, जिनका सामना करेंगी शिखा चौधरी, जो है BCL की सुपर वुमन। एक नए वुमन प्लेयर का नाम लेना चाहूंगा मैं, शिखा। ना कॉन्फिडेंस से खेली है कि लड़कों का कॉन्फिडेंस एकदम खत्म कर दिया उस लड़के। वेरी गुड फील्डिंग, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग। वेरी वेल फील्डेड यार, एंड शी हैज प्रूव्ड इट अगेन। जिनके चोट लगी है, पट्टियां बांधी हुई है, कई बैंडेजेस बांधी हुई है, उनका उतनी ही डेडिकेशन से मैच को खेलना और अपने आप को प्रूव करना बहुत बड़ी बात है। और ये आते से शिखा ने विकेट ले ली है। बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेंथ है, एकदम स्ट्रेट बॉल करती है, विकेट पे करती है, अगर छूट गई तो गए, आप आउट हो फॉर श्योर। क्या विकेट चला गया अदिति का, आते से ही। ये क्या हो रहा है भाई? बॉस इस बार लड़कियों से जरूर बच के रहना। नलिनी नेगी ऐसी बॉलिंग करती है जैसे बहारों फूल बरसाओ। छक्का लगा। एक और छक्का। और इसी के साथ हमारे राउडी बैंगलोर का स्कोर 9 ओवर के बाद 124 for 4। सोचा था उसके आसपास तो आई गए, 128 के आसपास आ गए हैं। अभी आखिरी ओवर है, अगर दो बॉल पे दो चौके भी आ गए तो वी आर सेफ। शालीन की उम्मीदें बन सकती हैं इस नाते। जयपुर की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं उनके सबसे अच्छे बॉलर पारस बब्बर। No problem, play.
आखिरी बॉल देती, मार इनको फेल। पारस की लगातार तीन डॉट बॉल्स ने बैंगलोर और मोहित के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ा दिया है। करो या मरो के इस मैच में बड़ा शॉट्स लगाए बिना जीत की कल्पना करना बेकार है। आखिरी बॉल इस ओवर की बॉल। दस ओवर के बाद राउडी बैंगलोर चार विकेट के नुकसान पर 128 रन। जयपुर राजोशीले के लिए ये मैच बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक नई स्ट्रेटजी बनाते हुए। शिखा, एक और विकेट। यार इसको कोई दूध भी लाओ, पहले तो आवाज नहीं निकल रही लड़की की। सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत होने वाली है। और अगर आज बैंगलोर को सेमीफाइनल्स तक पहुंचना है तो बहुत जरूरी है कि जयपुर की पूरी टीम को 72 रनों के अंदर उनके डगआउट में वापस भेजें। हमें किसी बात की जल्दी नहीं है, जल्दी है तो बैंगलोर वालों को है, हमें नहीं है। हम अगर 9.5 ओवर में भी कंप्लीट करेंगे तो हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। जयपुर बैटिंग करने आएगी, उनकी बैटिंग नहीं है। बैंगलोर बॉलिंग कराएगी, उनकी बॉलिंग नहीं है। तो जो बॉलिंग कराना है उसको विकेट लेने नहीं आती, जो बैटिंग कर रहा है उसे शॉट मारना नहीं आता। मजा आ जाएगा देख के। दुर्गा माँ का तिलक लगा के आई है लड़की, आज फिर जीतेगी। मैं हर मैच में बोलती हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, जब भी मैं घर से निकलती हूँ मेरी माँ मुझे टीका लगाती है, चाहे वो मैच हो या फिर जंग का मैदान हो। बैंगलोर की तरफ से मैच का पहला ओवर डालने आ गए हैं जिमी। आज लगता है कि जो आपके लकी चार्म है यही जो है रन खड़ा करके आ जाएंगे, जरूरत नहीं किसी और को भेजने की। कोशिश तो यही रहेगी है ना, कैप्टन जी उतरे हैं अभी आज मैदान में। शिखा, 129 का टारगेट। टारगेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्लेइंग वेल इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डू यू थिंक, योर फील्डिंग एंड बॉलिंग विल डू वंडर्स? या एब्सोल्युटली। Jaipur has to win desperately to go through the semi-finals. Bangalore also has to win, but by a margin of 60 runs. But if Bangalore loses below 60 runs or below 50 runs, then we go through. So it is very important for us to hope that Bangalore wins. Aram se, aram se, de de. 129. ज़्यादा बड़ा target है नहीं, बहुत achievable है अगर खेला जाए सलीके से तो achievable हो जाएगा क्या लगता है? इंशाल्लाह यही दुआ कर रही हूँ कि बस अचीवेबल हो जाए, हम जीत जाए, हम अचीव कर ले उस टारगेट को। सिक्स।
आज राजेश ठाकुर जो है कुछ बोल नहीं रहे, बल्ला बोल रहा है। मैंने कहा कि अपने बल्ले को कहो बातें करें, तुम चुप रहो। अंकिता शर्मा की वीक फील्डिंग और इन्हें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आज राउडी बैंगलोर को सेमीफाइनल्स तक पहुंचना है तो पूरे जयपुर की टीम को 72 रन के अंदर वापस भेजना होगा। जयपुर राजोशीले का स्कोर 15 रन पहले ओवर के बाद। वी आर गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को। आपके पास पासपोर्ट है? यस सर, पासपोर्ट है, 10 साल का वीजा है, 10 साल का यूएस का वीजा है, वो भी है, दिखाऊंगा लाके। मैंने तो अपना राशन कार्ड दे दिया इनको। दे दिया ना, पीला वाला नीला वाला पता चल गया। सब दे दिया मैंने, कहा मेरे भी राशन कार्ड लगा दो लाइन पे। तो मैं लेके जाऊंगा, बराक अपना दोस्त है, बराक को बोल दूंगा तो हो जाएगा। अब मयंक आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए। इजी इजी इजी। तुम्हारा बैटिंग लाइनअप ऑर्डर क्या है? तुम कब जाओगी बैटिंग करने के लिए? मैं आखिरी में। इनके बॉलर बॉल स्पिन नहीं कर रहे, हम मार के बॉल स्पिन करके बाउंड्री मार रहे। ये स्किल है भाई, स्किल है, हर किसी के पास नहीं होता, किसी के पास नहीं होता। हमारा बॉल मारने के बाद टर्न होके बाउंड्री जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, अभी ट्रेनिंग दे देंगे। दो ओवर के बाद जयपुर का स्कोर हो गया है 27 रन फॉर नो लॉस। बॉलिंग करते हुए पहले चार ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है, और ये ओवर है शिखा का ओवर। शिखा जो कि कमाल की फीमेल बैट्समैन ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी बॉलर भी है। राजीव ठाकुर आउट। वाइट बॉल। आराम से, आराम से, आराम से, काम डाउन, काम डाउन। इसी के साथ शिखा ने एक विकेट ले लिया है। राजीव आउट होकर जा रहे। बस इसी तरह खेलते रहे राउडी बैंगलोर। जयपुर राजोशीले के लिए ये मैच बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हुए। लोग आपसे काफी उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि जब राजीव ठाकुर आएगा तो जरा एक्शन होगा फील्ड में। एक्शन आज बैट से हो रहा था। हाँ। लेकिन लड़की की बॉलिंग बड़ी अच्छी है। ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैंगलोर जीते। बैंगलोर अगर जीतता है, क्योंकि बैंगलोर ने अभी तक एक ही जीता है, जयपुर ऑलरेडी दो जीत चुके हैं, अगर जयपुर ये भी जीत जाता है तो हम बाहर हो सकते हैं। लेकिन अगर बैंगलोर जीतता है सो रन रेट के हिसाब से हम क्वालिफाई हो सकते हैं और हम सेमीफाइनल्स में आ सकते हो। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और वी आर हेयर टू सपोर्ट बैंगलोर। अब अंकित आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। पारस के साथ स्ट्रेटजी बनाते हुए शिखा एक और विकेट। यार इसको कोई दूध पिलाओ, पहले तो आवाज नहीं निकल रही लड़की की। यार मैं तो कह रही हूँ एक और विकेट लेने को, मैं तो साथ दे रही हूँ। तुम क्या खा रहे हो वहाँ बैठे बैठे, इसको भी खिलाओ यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो दही दही खा रही है। यार रुको, मैं और जोर से बोलती हूँ। यार भैया माइक बढ़ाओ यार, शिखा मार देगी अगली बॉल मुझे ही। एक और विकेट जा चुका है जयपुर राजजोशीले का। अंकित आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं कामयाब को। अंकामे ने बोला अंकित बहुत अच्छा खेलता है, फिर अच्छा खेलता है ठीक है, पर एक दिन भी होता है आपका, शायद आज मेरा दिन नहीं था। शायद अच्छी न्यूज लेकर जाऊंगा घर, हम तो जीते ही जीते हैं, मगर मैं चाहता हूँ आज बैंगलोर भी जीते तो और अच्छी पार्टी हो रात को। तुम पे सारी जिम्मेदारी आ गई है, राजीव ठाकुर ने तुम पे उंगली उठाई है, कहा कि तुम बैटिंग ले जाओ। बोलो क्या स्कोर खड़ा कर पाओगी? बताती हूँ,
क्या बैट से बताओगी कि मुंह से? बैट से। अरे रैटाटुई देखी आपने? अंग्रेजी कार्टून पिक्चर, बिल्कुल वैसी दिखती है ना बेचारी, छोटी सी प्यारी सी चूहा रैटाटुई। बैटिंग करते हुए चार पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना अति आवश्यक है। चेष्टा भगत आ रही है। दो बैक टू बैक विकेट्स के बाद अब बैंगलोर का पलड़ा भारी लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या चेष्टा पारस का साथ निभाकर जयपुर को जीत की ओर ले जा पाएगी। शिखा चौधरी हैट्रिक पे। या शिखा, तुम्हारे उस बॉल के पहले मैंने यही कहा था कि एक और विकेट लोगी ना? एब्सोल्युटली, लड़की जो बोलती बहुत बढ़िया बोलती, बोलती रहो। मुझे डांट दिया यार। किसने? चौधरी ने। आपने यार, तू मेरे को कहा। शिखा के सामने है चेष्टा, देखते हैं कि क्या शिखा हैट्रिक कर पाएंगी। चेष्टा आउट होते होते बची है, बॉल स्टंप्स पे लगी और बेल्स नहीं गिरी। अब इसको बैंगलोर का बैड लक ही कहा जा सकता है? आज के बेल्स बड़े ढीट हैं। ये शिखा के समय दो दफा हो चुका है कि जब शिखा बैटिंग कर रही थी तब बेल्स नहीं गिरे, अभी जो है चेष्टा बैटिंग पे थी तब भी बेल्स नहीं गिरे। ये बेल्स क्या चिपका के रखे हैं क्या? तीन ओवर के बाद अब जयपुर का स्कोर हो गया है 34 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जीतने के लिए मैच 42 बॉल्स बचे हैं और रन है 95। अब बॉलिंग करने आ गए हैं बैंगलोर के ट्रम्प कार्ड पुरु छिब्बर, जिन्होंने कई बार अपनी बॉलिंग के दम से मैच का पासा पलटा है। कि बैंगलोर आए लेकिन उनको बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना होगा तो ही वो आ पाएगी, अदरवाइज बॉम्बे के चांसेस हैं। कमाल की बॉल डाली पुरु ने, कमाल है। पुरु इस टीम का बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट बॉलर है, इन्हें उसको याद दिलाना पड़ता है कि भैया तुम बेस्ट हो, तुम अच्छा खेल रहे हो, तुम पुरु हो। तुमसे हाँ मैं पुरु हूँ, फिर वो बॉलिंग डालता अच्छी, फिर अच्छी बैटिंग करते हो, पुरु 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 ये हो रहा है, तब उसे समझ में आ रहा है कि वो पुरु है। भूल जाता है क्या? बहुत ही खतरनाक बॉलिंग कराते हुए पुरु छिपर। इस ओवर में पारस बॉल को छू भी नहीं पाए हैं, क्या इस बॉल में वो कुछ कमाल दिखा पाएंगे? भाई ऐसा है कि प्रीतम पांडे, प्रीतम के बारे में, पांडे हाँ मतलब तुम्हारी फेवरेट थी पूनम पांडे, हाँ हाँ, हमें उधर के डगआउट से, राउडी के डगआउट से एक बहुत बड़ा राज पता चला है। क्या राज है जल्दी बताओ मेरे को। तुम पर ये इल्जाम है कि पूनम पांडे यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो तुम्हारी भूखी हपसी नजरों से डर के भाग गई। अच्छा, काम में पीछे से बोल रही है, ऐसे थोड़ी ना होता। ऐसी थोड़ी ना होता। चार ओवर के बाद जयपुर इज 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर 5 या 6, बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है। चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको शून्य स्कोर। चैलेंज ओवर, बॉलर ने मयंक 12 रन टारगेट। जयपुरी 12 रन लिए हैं और ले ज़्यादा भी सकते थे, लेकिन लालच नहीं किया क्योंकि रन रेट सब ठीक चल रहा है, हमारी रेंज में है सब चीज़ें, तो इसलिए 12 रन का रन लिया है। पारस आराम से देख के दो मिलेंगे, कोई टेंशन मत लेना। मयंक शर्मा फिर आ चुके हैं बॉलिंग करने, पिछला ओवर काफ़ी अच्छा किया है और मयंक इसलिए लिया है कि बीच में एक दो फुल टॉस दे देता है, बॉलर अच्छा है लेकिन उसी उम्मीद में कि एक दो फुल टॉस देगा, तो देखते हैं। पारस पारस देख के आराम से। पारस
एक व्हाइट बॉल। दो बॉल 7 रन आ गए हैं, मुझे लग रहा ज्यादा ले लेना चाहिए था। यार ये चाहते हो क्या बैंगलोर जो है वो आज जीते? Yes, desperately मैं तो यही चाहता हूँ। और अगर हारे तो आपका जो ये सेंचुरी बनाने का कार्य था ये फेल हो जाएगा यार। Obviously. जयपुर राज जोशीले ने ये चैलेंज ओवर जीत लिया है और ये बन गया है फ्रूटी BCL का मैंगो बैंगो मोमेंट। टेस्ट द मैंगो, चूस द मैंगो, टेस्ट द मैंगो, चूस द मैंगो, टेस्ट द मैंगो, चूस द मैंगो, डू इट द मैंगो। पांच ओवर के बाद जयपुर राज जोशीले 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन के साथ 30 बॉल्स बचे हैं और 62 रन बनाने। लगता है कैप्टन ने शिखा को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए क्योंकि उन्होंने अपने पिछले ओवर में 2 विकेट्स निकाले थे। ऐसा पहली बार हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ BCL कि एक लड़की को दोबारा ओवर दिया गया है। कैप्टन का ये ट्रस्ट जो है वो कमाल का है कि पहली फीमेल प्लेयर है जिन्हें 2 ओवर दिए। चेष्टा शिखा की पहली बॉल को समझ ही नहीं पाई है। शी इज अ माइंड ब्लोइंग बॉलर यार। बैंगलोर की टीम में 2-3 ही अच्छे बॉलर्स हैं, उनमें से बेस्ट होगी शिखा, बिकॉज वो एक फोर्स से डालती है, हाइट से डालती है, ज्यादा वाइड नहीं देती, कॉन्सेंट्रेशन के साथ डालती है, उसकी हर बार ओवर में विकेट जरूर आती है। कम ऑन, ठीक है ठीक है। बब्बर का सपना पूरा होता हुआ। सही है सही है। बहुत सीरियसली खेल रहे हैं ये मैच और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीत सकते हैं। सेमीफाइनल्स में तो हमें नहीं लगता हम आ पाएंगे, बट जयपुर को अब हराने की प्रेस्टीज की बात होगी, 4 पॉइंट लेके जाना है बॉस। शिखा ने अपने लास्ट ओवर में 2 विकेट्स लिए थे, अगर इस ओवर में वो पारस का विकेट ले लेंगी तो बैंगलोर गेम में वापस आ जाएगा। नो बॉल, फ्री। शिखा ने प्रूव कर दिया है कि वो कमाल की बॉलर है। फ्री हिट वाली बॉल पर भी पारस एक सिंगल भी नहीं निकाल पाए। आई थिंक शी इज वेरी गुड एंड मैं उसकी फैन हो गई हूँ एज अ प्लेयर। वेरी गुड शिखा, विमेन पावर, विमेन पावर। सही बता रहा, मस्की ने इतना अच्छा ओवर दिया है, जिमी को वो ओवर देने की जगह मस्की को देते तो सही नहीं होता। हाँ यार हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था। मैं उसकी फैन हो गई हूँ एज अ प्लेयर। वेरी गुड शिखा, विमेन पावर, विमेन पावर। आराम से, आराम से, आराम से। बहुत बढ़िया। मारा को कमाल की बॉलिंग करते हुए शिखा, आई फील सो प्राउड। पारस ने एक छक्का मार दिया है।
शिखा जिन्होंने अपने पिछले ओवर में 2 विकेट लिए थे, क्या वो इस बॉल पे भी विकेट निकाल पाएंगी? ओ तेरी बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है, कवर 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 आज भी लेग बाय ओवर। शिखा ने अपने 2 ओवर्स में सिर्फ 17 रन ही दिए हैं, जहां लड़कियों के ओवर्स में छक्के और चौके पड़ रहे हैं, वहीं सिर्फ 17 रन देना और 2 विकेट भी लेना बहुत बड़ी बात है। और 6 ओवर के बाद जयपुर राज जोशी ने 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शिखा वेरी वेल यार, यू जस्ट मेड मी प्राउड। मोहित वाज सेइंग कि 2 छक्के तो आएंगे ही तुम्हारी ओवर में पारस के। अरे इसे क्या पता लड़कियों का जलवा। आई नो क्रिकेट के अलावा कौन से स्पोर्ट्स में आपके इंटरेस्ट है? डू यू लव मार्बल्स, कंचे, गिल डंडा? मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं करती थी, मैं बहुत ही लेजी बम हूँ एक्चुअली। एंड टग ऑफ वॉर होता है ना, टग ऑफ वॉर, मैं वो करती थी स्कूल में। रस्सा कशी, मैं बहुत मोटी थी और सिर्फ उसी चीज में पार्टिसिपेट करती थी। आई वॉज नॉट एट ऑल अ स्पोर्ट्स पर्सन और अभी भी नहीं हूँ, बैठ के देखती हूँ क्रिकेट घर पे। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा नागिन यार, डसती हूँ मैं लोगों को। नागिन हिट है, बेटर स्पोर्ट क्या हो सकता है? डस के दिखा दूँ? कैमरामैन को भी कुछ नहीं और हमको भी नहीं, मैं तो वैसे ही तुम्हारे जहर से कायल हूँ। जिमी वापस आ गए हैं बॉलिंग करने और ये उड़ाते हुए बॉल बिल्कुल नहीं हो रही। कमाल, ग्रेट, और एक फ्री हिट। मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको है ना शिखा से कुछ सीखना चाहिए। 2 ओवर में उन्होंने 17 रन देके 2 विकेट लिए और जिमी मैच काफी चांस है कि हम जीत जाएंगे आज। हाँ, लेकिन ये अच्छा है कि वो फाइट दे रहे हैं, हमें ऐसे जूझ कर जीतने में एक अलग मजा है। यहाँ पे छक्के ही छक्के लगते जा रहे हैं, जैसे ही शिखा यहाँ से गई और जिमी आया, भाई यहाँ तो मैच पलट गया एकदम। शिखा गेव अ फैब ओवर बिकॉज़ शी इज सच अ गुड प्लेयर। 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस के बाद अब मैच बैंगलोर के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। पारस, पारस रन बहुत आगे, स्कोर देख 98 ओनली 30 और सिंगल ले ले। यहाँ पर राजीव पारस को समझा रहे हैं कि अब किसी रैश शॉट की जरूरत नहीं, एक सिंगल लेकर वो स्ट्राइक अपने पास रख सकते हैं। क्या बैंगलोर सिंगल रोक पाएगा? शाबाश पारस, शाबाश शाबाश शाबाश, बस यही चाहिए था। ओवर। 7 ओवर के बाद 99 2 विकेट के नुकसान पर। इसे कभी पूछना नहीं चाहिए लड़की के बैग में क्या है, तुम्हारे बैग में क्या क्या, पूछना चाह रहा हूँ। मेरे बैग में मेरा फोन है, क्रिकेट से रिलेटेड कुछ नहीं है, लिपस्टिक है एंड यस मेकअप का सामान जो होता है। भाई ये भूखी मर जाए लेकिन मेकअप का सामान लेके घूमती है लड़कियां, ये प्रूफ करता है कि मैं एक्ट्रेस हूँ, स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ। कमाल है, वेरी नाइस। जीतने के लिए 30 रन चाहिए, 18 बॉलों में हर ओवर में 10 रन का टारगेट करना होगा कंप्लीट। पुरु छिब्बर एक बार फिर से आ गए हैं बॉलिंग करने। वाइड बॉल, बाउंड्री, एक छक्के और एक चौका लगाकर पारस वापस फॉर्म में आ गए हैं।
तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं। तुम शादी करोगी? नहीं। तुमने एडवेंचर हनीमून के बारे में कभी सुना है? एडवेंचर हनीमून? नो। एडवेंचर हनीमून का मतलब क्या? ये क्या है? इंटरेस्टिंग यार, आई एम श्योर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो नॉर्मल हनीमून पे लोग करते हैं उससे हटके ही होगा। नॉर्मल हनीमून पे लोग क्या करते हैं? मैं तो बोला हूं, मुझे मालूम ही नहीं। आप शादीशुदा, आपको पता है क्या करते हैं? क्या पारस ओवर की लास्ट बॉल पे सिंगल लगाकर स्ट्राइक अपने पास रख पाएंगे? रन आते हुए इस ओवर में। लेग बाय ओवर। 8 ओवर के बाद दो विकेट के नुकसान पर 111 रन। जीतने के लिए 18 रन चाहिए जयपुर राज जोशीले को 12 बॉल्स के साथ। 9th ओवर लेकर आ गए हैं मस्की। क्या मस्की इस गेम का रुख पलट पाएंगे? ये देख लो, मस्की को भेजा है बेंगलुरु वालों ने कि इतने काले दिखाई देंगे नहीं, बॉल फेंक के चले जाएंगे। बॉलिंग बहुत बढ़िया शाबा मस्की, बहुत बढ़िया बॉल यार। कामया भाई मुबारक हो, कामया तुम्हारी टीम सेमीफाइनल में तो पहुंच गई। रुक जाओ ना, एक लास्ट ओवर है। अरे फिर भी पहुंच गई ना, ये क्या मतलब? प्लीज रुक जाओ, ऐसे नहीं। रुक जाओ प्लीज, पूरे गेम का मजा लेना चाहती हूँ। मन में लड्डू फूट रहे कामया की। सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, फिर कौन सी टीम के ऑपोजिट जो है मैच होगा? कहीं वो चंडीगढ़ कप्स तो नहीं? काम्या कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मस्ती यार। मस्की की एक और बहुत अच्छी बॉल। इन्हें कहाँ छुपा कर रखा था बैंगलोर ने अब तक? ऐसा लग रहा है कि मस्की को लेट लाने का डिसीजन बैंगलोर पर भारी पड़ गया है। कोई नहीं, कोई नहीं, दो रन है, कोई नहीं, कोई नहीं, दो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। पारस का विकेट क्रूशियल है, क्या मस्की उनका विकेट निकाल पाएंगे? पारस तो आउट ही नहीं हुए, पर चेष्टा का जरूर रन आउट हो गया है। क्या ये मैच अभी भी फंस सकता है? चेष्टा तुम बहुत जल्दी वापस आ गई। बहुत जल्दी आई? पूरा मैच खत्म कर दिया मैंने। चाहे वो मैंने एक एक रन लेके किया, वो स्ट्रेटेजी हमारी ऐसी रहती कि देखो मैं अच्छी बॉलर हूँ, बैट्समैन मेरे ना जान, थोड़ी जान कम है। इस बार से तुम्हारी टीम तो सेमीफाइनल पहुंच चुकी है। हाँ पहुंच गई, एक छक्का चाहिए बस, फिर हम सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। सारी लड़कियों ने पैकिंग वैकिंग सब खरीद कर लिस्ट बना के रखा है, यहाँ जाऊंगी ये शॉपिंग करूंगी। देखो 6 दिन का ट्रिप है तो मैं उसको 15 दिन का बना के आऊंगी। फ्री की टिकट मिल रही तो जाना चाहिए ना। वाओ पुरु सही बताना, मस्की ने इतना अच्छा ओवर दिया है, जिमी को वो ओवर देने की जगह मस्की को देते तो सही नहीं होता? हाँ यार हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था भाई। प्रताप अच्छी से खेल के आना मेरे भाई। थैंक यू थैंक यू, हमें जीतना है, यूएस से जाना है। हर कोई यूएस जाने के चक्कर में है भाई, मेरे समझ ना आ रहा है सबके पासपोर्ट रेडी है? मैंने तो राशन कार्ड दिया हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रही। जयपुर ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है और बैंगलोर के साथ साथ मुंबई का भी सपना चूर चूर हो गया है सेमीफाइनल्स में जाने का। एंड दिस इज द मैंगो बैंगो मोमेंट। मैच के बाद पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरह से है। चंडीगढ़ कप्स इज ऑन 8 पॉइंट्स,
Jaipur Raj Joshile is on 6 points. Mumbai Tigers is on 4 points. Rowdy Bangalore is on 2 points. And Ahmedabad Express is on 0 points. Chandigarh Cubs or Jaipur Raj Joshile have qualified for the semi-final spot. अगले हफ्ते सेमीफाइनल्स में चंडीगढ़ का मुकाबला होगा चेन्नई से और जयपुर का मुकाबला होगा दिल्ली ड्रैगन से। भाई जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की घड़ी। पहले तो जोरदार तालियां दोनों टीमों के लिए। यार हमारे साथ आए हुए हैं कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ जी, फ्रूटी रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मधुर पांडे हु इज द जनरल मैनेजर मार्केटिंग पार्ले एग्रो। बैंगलोर रिप्रेजेंटेटिव चैतन्य अकोलकर सीएमडी इलेक्ट्रिक मीडिया। एंड जयपुर रिप्रेजेंटेटिव नेहा भंडारी रिप्रेजेंटेटिव जेआरजे। हमारा पहला अवार्ड जो कि है मैंगो ऑफ द मैच, शिखा चौधरी। और अब बारी आती है वुमन ऑफ द मैच की, इट इज शिखा चौधरी। और अब बारी आती है मैन ऑफ द मैच की, इट इज पारस बब्बर। फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग में क्वालिफाइंग मैचेस खत्म हो गए हैं और अगले हफ्ते से शुरू होंगे सेमीफाइनल्स, जिसमें सेमीफाइनल पहुंचने वाली चारों टीमें अपनी जान की बाजी लगा देंगी फाइनल में अपना सिक्का चलाने के लिए। फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग का हिस्सा आप भी बन सकते हैं, घर बैठे बैठे बनाइए अपनी खुद की टीम। टॉप 10 पार्टिसिपेंट फीचर होंगे कलर्स के टीवी लीडर बोर्ड में हर हफ्ते और टॉप 3 विनर्स को देखने मिलेगा फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग फाइनल मैच लाइव। तो डाउनलोड कीजिए कलर टीवी ऐप और बनाइए अपनी खुद की BCL फैंटेसी लीग। फ्रूटी BCL की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये जा रहा है इंटरनेशनल। जी हाँ, टॉप 4 टीम्स ऑफ BCL विल गो टू सैन फ्रांसिस्को खेलने इंटरनेशनल BCL। हमारे स्टार पार्टनर है लोमैन पेज 3 और हमारे गेमिंग पार्टनर है hangama.com। तो देखना ना भूलिए फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग शाम 4:30 शनिवार और रविवार कलर्स पर। तब तक के लिए गुड नाइट एंड कीप प्लेइंग। बॉक्स क्रिकेट लीग है टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिकेट रियलिटी शो। 10 टीम्स के साथ इस अनोखे सफर की शुरुआत हुई जो अब आ गया है अपने आखिरी पड़ाव सेमीफाइनल्स में, जहां दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ और चेन्नई की टीम्स खिताब की दावेदारी पेश करेंगी। तो देखिए पहला सेमीफाइनल चंडीगढ़ और चेन्नई के बीच शनिवार 21 मई को और दूसरा दिल्ली और जयपुर के बीच रविवार 22 मई शाम 4:30 सिर्फ कलर्स पर। BCL में आज का मैच 3 टीमों का भविष्य तय करेगा। जहां जयपुर बैंगलोर जीत के लिए खेलेगी, वहीं मुंबई की नजर रहेगी बैंगलोर की जीत पर। So let's welcome हमारी पहली टीम जयपुर राज जोशीले। और अब बुलाते हैं अपनी दूसरी टीम राउडी बैंगलोर को। ये क्या हो रहा है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ नया नया है।
सुमित मेरा क्यूट सा दोस्त कहाँ गायब हो गया? वो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले धन्यवाद। तुम जीती रहो। नहीं, तुम्हें धन्यवाद नहीं बोल रहा हूँ। सुमित को छोड़ो यार, मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ उस इंसान को जिसने मुझे लास्ट टाइम ये बोला था कि ऊपर बैठ के बोलने में ज्यादा हिम्मत नहीं लगती, अगर हिम्मत है तो नीचे। तो मैं आ गया। कौन है ये आदमी? वही आदमी। हाँ? जिसका नाम है राजीव ठाकुर। बापे, बहुत डेंजर आदमी है। तो वेलकम टू फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग। हमारे स्टार पार्टनर है लोमैन पेज 3 और हमारे हेल्प फूड पार्टनर है French.US। फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग देखकर आप हम तक अपना कोई भी मैसेज पहुंचा सकते हैं। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं बिटवीन 4:30 PM टू 6 PM सैटरडे एंड संडे। बेस्ट ट्वीट ऑफ दिस वीक विल बी फीचर्ड अगले हफ्ते के एपिसोड में। #FruityBCL यूज करो और हो सकता है कि तुम्हें भी मिल जाए कुछ स्पेशल FruityBCL मर्चेंडाइज, वो भी मुफ्त। FruityBCL की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि ये जा रहा है अब इंटरनेशनल। जी हाँ, टॉप 4 टीम्स ऑफ FruityBCL विल गो टू सैन फ्रांसिस्को। आज का मैच है बिटवीन जयपुर राज जोशीले वर्सेस राउडी बेंगलुरु। जयपुर और बेंगलोर के बीच आज डू और डाई का मैच है। एक और जहां जयपुर इस जीत के साथ सेमीफाइनल्स में जगह बना लेगा, वहीं बेंगलोर को सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए न सिर्फ जीतना होगा बल्कि कम से कम 58 रन का मार्जिन भी रखना होगा ताकि वो रन रेट में मुंबई को पछाड़ सके। आज दोनों टीम्स के बीच होगी जबरदस्त टक्कर और जीतेगा वही जो देगा अपनी असली क्रिकेटिंग हुनर का परिचय। अब बुलाते हैं दोनों टीम्स के कैप्टन्स राजीव ठाकुर और काम्या पंजाबी को, और राउडी बैंगलोर से बुलाते हैं पुरु छिब्बर और शिखा को। आपको क्या लगता है FruityBCL में आपकी टीम आज जीत का डंगा बजा पाएगी? बिल्कुल बजा पाएगी, एंड हम लोग की पूरी उम्मीद है आज जयपुर को हरा कर आगे जाने की। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। राजीव जी, बहुत बहुत थैंक यू। क्या है कि इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे नीचे खड़ा हुआ हूँ, नहीं तो मैं उधर बैठा रहता था, है ना? आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, उस जगह से आपको स्पेशल प्यार है, आप अगर कहो तो आज कॉमेंटेटर रखे या हटा दे? नहीं, रखो यार। रखें? रखो। तो चलो भाई, आज राजीव ठाकुर ने बोल दिया है कि कमेंटेटर बोल सकता है, वो बात कर सकते हैं, तो फिर मैच शुरू कर लेते हैं। हाँ। चलिए, अंपायर वाले बाबू जरा टॉस करा दे। एक तरफ है पारो, दूसरी तरफ है देवदास। अच्छा, इधर कौन पारो और इधर कौन देवदास? मैं पारो ही हूं। आप हर जगह। राउडी बैंगलोर ने बैटिंग मांगी, चेस करेंगे जयपुर राज जोशी। लेट द गेम बिगिन। जयपुर की टीम पूरे जोश के साथ मैदान में उतर गई है। मैं और पुरु जा रहे हैं ओपनिंग करने, और मेरी टीम के लिए मेरा मन तो है कि मैं बहुत अच्छा खेलूं और बहुत सारे छक्के मारूं, पर कामया बहुत अच्छे से स्माइल करके बोल रहे आउट हो जा, तो अगर मैं आउट होऊंगा तो मैं कामया के लिए होऊंगा, छक्के मारूंगा तो अपनी टीम के लिए मारूंगा, अंदर जाके डिसाइड करता हूं कि बाय। और अब बैंगलोर की सलामी जोड़ी सिद्धार्थ और पुरु भी ओपनिंग करने आ गए हैं। जयपुर जोशीले अगर आज मैच जीत जाती है तो ये तो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गए, लेकिन राउडी बैंगलोर को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ बेस्ड है रन रेट्स पर। तो क्या राउडी बैंगलोर जयपुर जोशीले के जोश का सामना कर पाएगा? जयपुर की तरफ से इनिंग का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं बॉलर अंकित मुदगिल। No. Shabash. Good ball.
जयपुर के लिए आज करो या मरो की स्थिति है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन और पुरु बिल्कुल धड़बम्ब हो गए हैं। भाई पुरु छिब्बर जो है राउडी बैंगलोर का सचिन तेंदुलकर विराट कोहली कहा जाता है, दे छक्के दे चौके देता है, लेकिन आज पुरु शुरू नहीं हो पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता हंसनंदानी की हंसी देकर अभी से चंडीगढ़ के लिए खेलने के सपने देख रहे हैं पुरु? के बाद बैंगलोर ने बना लिए हैं 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आपने टॉस जीता, बैटिंग मांग ली है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका थैंक यू वेरी मच हो आज। नहीं अभी तक तो नहीं, वंस इन अ वाइल हो जाता है कि आपका एक विकेट गिरता है तो सडनली टक 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 जो हमारे पिछले मैच में अनफॉर्चूनेटली हुआ था, लेकिन आज हम लोग डटे हुए हैं और हम यही सोच कर आए हैं कि आज हम जीत कर जाएंगे। बट ऐसा तुम चाहते हो कि थैंक यू वेरी मच हो? मैं चाहता हूँ आप इसी तरह से आए, इसी तरह से मेरे कंधे पे हाथ रखें, इसी तरह से बात करें, फाइनल भी आप खेलें और जीत जाएं। थैंक यू सो मच प्रीतम भैया, वी ऑल लव यू। जयपुर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आ गए हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट बॉलर पारस बब्बर। अरे रे रे भयंकर, कहाँ से उसने भैया, ईस्ट से वो रन अप लिया उसने और वेस्ट में उसने बॉल को फेंका है, ऐसा घबड़भंब बॉलर है। एक एक्टर हुआ करते थे बहुत साल पहले, मोहन चोटी नाम था उनका। वो तो दिखाई दे नहीं रहे, लेकिन ये सीट के पीछे की चोटी देखी इतनी सी, बड़ी मुश्किल से उसने रबर बैंड लगाया उस पर खींच करके। स्थिति सेम है आज राउडी बैंगलोर की, खींच के निकालना पड़ेगा इस गेम से अगर आगे खेलना है तो। अरे दिखी नहीं भाई साहब के, मतलब बेकार से एक और सिद्धार्थ, बॉल दिख नहीं रही, यहाँ वहाँ क्यों जा रही है यार? मैं तेरे को देखने में बिजी था। टू ओवर स्कोर हुआ है 11 रन 0 विकेट के नुकसान पर। हाउ कम तुम आज इनका मैच देखने अपनी टी शर्ट पहन करके कैसा फील कर रहे हो सबसे पहले बताओ? मैं तो घर ही नहीं गया। मैं कल से नहीं घर गए हो तुम? नहीं मैं यहीं बाहर कहीं सोया था। डेडिकेशन है या फटी में हो? तुम चाहते हो कि आज रावड़ी बैंगलोर जीते? कोई भी नाम दे दो इसको, अल्टीमेटली मोटिव ये है कि बैंगलोर जीते और 60 रन से कम से जीते तो मैं क्वालिफाई करूंगा। मैं समझ गया आदमी रात भर घर क्यों नहीं गया, पूरे कैलकुलेशन लेके बैठा था पेन कागज के ऊपर में। खाने में ना खाया, कुछ खाया? हाँ थोड़ा सा दिया लोगों ने मुझे। ये बराबर खाना खिला रहा है आर्टिस्ट को, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तीसरा ओवर वापस करने आए हैं अंकित मोदगिल, जिनका पहला ओवर भी सक्सेसफुल गया था। अंकित और गगन के बीच में अंकित की बॉल पर गगन ने कैच आउट किया और सिद्धार्थ अपनी चोटी के साथ वापस अपनी टीम के पास। मैंने देखा है सिद्धार्थ को, जब सिद्धार्थ खेलता तो फोड़ता है। एग्जैक्टली, तभी तो मैंने कहा अगर ये चले तो फिर हम चल दिए, घर चल दिए। या तो ये बैट से फोड़ता है या ये मुंह से फोड़ता है। भाई इतना टैटू, इतना गुस्सा, उसके बाद सिद्धार्थ इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम आज बाहर? यार एक गेम है, इसमें हार जीत होती रहती है और अच्छी बॉल डाल रहे वो लोग। कामे ने अच्छी टीम प्रिपेयर किया, अच्छे बॉलर है इसके बाद, और ये बड़ी अच्छी स्माइल करी थी पीछे से। मैंने कहा ये यार इसका दिल टूट जाएगा अगर मैंने बहुत छक्के मार दिए। यहाँ पे देखो मैं क्रिकेट विकेट में इंटरेस्ट है नहीं, सबको कामया में इंटरेस्ट है। बात करते करते हाँ कामया बड़ी अच्छी है, हाँ कामया बड़ी अच्छी है, इसी के लिए लोग आउट हो रहे हैं। और अभी अगर कामे ने बोलते हैं फ्री हक तो सब आउट हो जाएंगे। सिद्धार्थ के आउट होने के बाद अब बैटिंग में पुरु का साथ निभाने आ गए हैं गुरमीत। अच्छी बिल्डिंग राज, बैंगलोर के लिए
बहुत जरूरी है कि वो ये मैच जीते, और सिर्फ जीते नहीं एटलीस्ट 56 रन से जीते ताकि वो सेमीफाइनल्स में पहुंच सके। शॉट है, सिक्स। नो, और ये नो बॉल, निश्चित नो बॉल। तीन ओवर के बाद रॉजी बैंगलोर्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 32 रन्स। बॉलिंग करते हुए पहले चार ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है, और फ्रूटी बीसीएल के रूल के हिसाब से अगली एक फीमेल बॉलर होंगी चेष्टा भगत। शाबाश, रुबे। कमाल की बॉल थी बस। आपके लकी मैस्कट लकी चाम राजीव ठाकुर है, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स है। पिछले मैच में देखो उन्होंने फील्डिंग मिस करी, कैच छोड़े और आप लोग हार गए। आज भी देखो क्या हो रहा है, तो आप ऐसा पूरा सेट में बदलना चाहती हो अपने लकी मैच? जी बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा भरोसा है राजीव पर भी और पूरी टीम पर भी। एक बुरा दिन कुछ नहीं बदल सकता, तो मेरे लिए मेरी टीम विनर है और हमेशा विनर रहेगी, और ये मैच हम जीतेंगे। भगत के द्वारा और बहुत ही जबरदस्त कैच बलराज के द्वारा। चिपर, यू नो तुम्हारी टीम के तुम बेस्ट बैट्समैन हो, ऐसा जयपुर राज जोशीले भी कहती है। लेकिन ठीक है, आज बल्ला चला नहीं तुम्हारा और तुम जो हो आउट हो गए, लेकिन बहुत नाराजगी हुई तुमको, बहुत ज्यादा, बहुत गुस्से में आए तुम, बैटर पटक दिया तुमने, मैं डर भी गया था यार, बल्ली हिल गई यहाँ की, क्योंकि ये डू ऑर डाई मैच है, आई डिडंट परफॉर्म व्हिच आई वांटेड टू, बट होपफुली आज गुरमीत खेलेगा। बैटिंग करते हुए चार पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना अति आवश्यक है, और रूल्स के हिसाब से अब बैटिंग करने आ गई है शिखा चौधरी। शिखा मार चक्का, और देखिए बेस नहीं करी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड बॉल, गुड बॉल, गुड बॉल, वेरी गुड बॉल। दूसरी बार आउट होने से बच गई है। गुड बॉल। शिखा का लेडी लक चल रहा है कमाल का, दूसरी बार बॉल जो है विकेट्स को टच हुई लेकिन बेल्स नहीं गिरी। आई टेल यू, शिखा का जो फोकस है ना वो उसकी शादी और हनीमून पर है, जो कि एडवेंचर होने वाला है। हनीमून, एडवेंचर, हनीमून, मेरा हो गया क्या? मेरे तो दो भी हो गए। बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पे। लगता है पिछले मैच के अपने खराब फील्डिंग की गलती को राजीव इस मैच में अच्छी फील्डिंग के साथ सुधारना चाहते हैं। ओवर। और इसी के साथ चार ओवर्स के बाद बैंगलोर ने बना लिए हैं 40 रन दो विकेट के नुकसान पर। शिखा, परसों शादी है ना, उसकी ज्यादा एक्साइटमेंट है या आज का मैच जीतने की? दोनों की। आज जीतोगे? बनो रे बनो मेरी, चली ससुराल रे, अखियों में पानी दे गई। डागा तुम तो चुप ही रहो। पांचवा ओवर करने आ गए हैं बलराज, जिनका सामना करेंगे गुरमीत। कोई बात नहीं, हेड बॉल। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, पाजी, शाबाश, शाबाश, शाबाश। पुरु।
क्या लगता है आज बैंगलोर का कितना स्कोर होगा? 150-160. That's it, 150-160, उससे ज्यादा नहीं. दो ओवर वाला जाता हूँ. मुंबई टाइगर्स का सपना चूर चूर कर दिया आपने एकदम. या तो जयपुर जाएगा या बैंगलोर जाएगा सेमीफाइनल में, बॉम्बे नहीं जाएगी, आई गारंटी. बल्लेबाज के चेहरे पे इतनी घबराहट क्यों है अजय? और एक और सुधार के साथ एक और वाइट. एक और वाइट. एक और वाइट. वाइट बॉल. एक और वाइट बॉल. काम्या, मंदिर जाके आई हो ना? मेरा घर ही मंदिर है यार. मंदिर से अगर होकर आए हो काम्या, तो क्या लगता है बलराज अभी कितनी वाइट्स और देने वाले? मैं अंतर्यामी हूँ ना, मुझे सब पता है. शालीन से स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई है काम्या बलराज को. हाँ चले अभी आगे खेले. गजब का भाई साहब. काम्या, गुरु कह रहा है या तो जयपुर जाएगी या रावड़ी बैंगलोर जाएगा, मुंबई को नहीं जाने देंगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं साथ में हूँ. ऐसी क्या दुश्मनी है मुंबई से? कोई दुश्मनी नहीं है. कोई दुश्मनी नहीं, मतलब जेलसी तो नहीं ना? है वैसी है नहीं. पंजाबी किसी से नहीं चलती. बाउंड्री. तो एक बात बताओ कि हाँ. ये सारे के सारे टीम वालों को तुमसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? राउडी बैंगलोर बोल रहा है हम हार जाए तो हार जाए, पर तुम्हें नहीं जाने देंगे. तीन टीम जो क्वालिफाई कर सकती हैं. हाँ. एक ये एक हम, एक आप, एक जयपुर. एक जयपुर. टेक्निकली हमारी गेम से पहले स्ट्रॉन्गेस्ट चांस था जयपुर का. हाँ. उनको एक ही मैच जीतना, कैसे भी जीते, एक रन से जीते, क्वालिफाइड है. बैंगलोर का था कि अगर बैंगलोर जीते जयपुर से तो वो क्वालिफाई करती, अगर हम अहमदाबाद से हार जाते. ऐसा होना नहीं था. तो अब क्या होता है, हमारी रन रेट हो गई है प्लस 6.7. तो अब इनको 70 रन से जीतना है जयपुर से. तो अभी क्या है कि ये थोड़े हक्के बक्के हैं, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं. तो उनको ऐसा लग रहा है अगर मैं यहाँ हूँगा पता नहीं क्या हो जाएगा. राउडी बैंगलोर 5 ओवर खत्म होने के बाद 60 रन 2 विकेट के नुकसान पे. पॉलिटिक्स की जा रही है यहाँ पे. पिछले मैच से हो रही है पॉलिटिक्स. हाँ, पीछे मुंबई का मैच भी हुआ, पूरी पॉलिटिक्स हुई है उसमें. तो भी इसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है पूरी. मतलब ये जो जब टेलीकास्ट होगा ना, तब तेरे को पता चलेगा तेरे फैंस लोग कि तू चीटर है. जब डाउट है अगर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो उसको ही मिलना चाहिए ना. हर चीज बैंगलोर के साथ ही गलत होती है. मैंने देखा ओवर 5 या 6, बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है. और चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है. अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको 0 स्कोर. चैलेंज ओवर, बॉलर नेम प्रताप, 12 रन टारगेट. शालीन, हाँ, ये देखो पुरु ने तो कह दिया है, यहाँ तक कि काम्या ने भी, कि सेमीफाइनल्स में या तो जयपुर जाएगी या बैंगलोर बॉम्बे को तो जाने देंगे ही नहीं. यार क्या कहना है? उनको अपनी उम्मीद है, मेरे को अपनी उम्मीद है, जो क्वालिफाई कर जाएगा पहुंच जाएगा. आपको उम्मीद है मुंबई की अभी भी? नहीं, मेरे को पूरी उम्मीद है बैंगलोर पे. पक्का? मेरे को पुरु पे उम्मीद है, मेरे को पुरु बहुत पसंद है, इसलिए मेरे को पुरु पे पूरी उम्मीद है. काम्या, अभी शालीन तो कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वो आराम से सेमीफाइनल्स में पहुंचेंगे. पहुंचेंगे, बैठ के मैच वैच देखेंगे वो.
तो बैंगलोर भी जाएगा, जयपुर भी जाएगा, मुंबई भी जाएगा, कितनी हम सब जाएंगे। हमें भी ले चलो, मतलब गरबा थोड़ी खेलना है, क्रिकेट खेलना है। पांच बॉल पे 11 रन, देखते हैं क्या होगा। चेष्टा, चल अंकित आ जा इधर, चल चल, गुड बॉल, कोई बात नहीं, तेरी बॉल को नहीं मार सकते, चल मार। नहीं यार, क्या दो रन, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे असलम भाई, ये बताओ कितना स्कोर खड़ा किया जा रहा है, पकड़ लो जरा डंडा हाथ में। यार देखो, अभी बहुत मामला टेंस हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को कम से कम 225 रन बनाने पड़ेंगे, और जिस हिसाब से अभी बैटिंग हो रही है, दिल्ली बहुत दूर लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वो सब ठीक है, ये पिछले दो मैचों से जो गायब है आपकी कौन महिला पूनम पांडे, इसके बारे में क्या कहना है, क्यों गायब है? मतलब ठीक है, हार जीत तो होती रहती है, इसमें घबराने की क्या बात है? जिसने नेशनल टेलीविजन पर नेशनल टीम के लिए ये कह दिया हो कि तुम अगर जीतोगे तो मैं तुम्हें दूर के दर्शन करवाऊंगी, तो अब अगर हारती हो और नहीं भी करवाती है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे लगता है वो दूरदर्शन पर ही दूर के दर्शन हो पाएंगे। इस चैनल पे मुश्किल लग रहा है मुझे। ये चैलेंज ओवर जीतने के लिए अब बैंगलोर की टीम को चाहिए सिर्फ 3 रन 3 बॉल से। करते हुए रन लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे खतरा हो सकता है। कोई नहीं आएगी आएगी, लूज बॉल आएगी आएगी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत टाइट सिचुएशन है, 2 बॉल और 3 रन चाहिए। बब्बर क्या लगता है, हो जाएगा ये 2 बॉल पे 3 रन? 2 बॉल नहीं होगी, नहीं कर पाएंगे। इजी आ रहा है बब्बर्स ब्रदर, नहीं मन में आया इसने पूछा। दस ओवर के बाद राउडी बैंगलोर 4 विकेट के नुकसान पर 128 रन। जयपुर राजोशीले के लिए ये मैच बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक नई स्ट्रेटजी बनाते हुए। शिखा, एक और विकेट। यार इसको कोई दूध भी लाओ, पहले तो आवाज नहीं निकल रही लड़की की। सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत होने वाली है। और अगर आज बैंगलोर को सेमीफाइनल तक पहुंचना है तो बहुत जरूरी है कि जयपुर की पूरी टीम को 72 रनों के अंदर उनके डगआउट में वापस भेजें। हमें किसी बात की जल्दी नहीं है, जल्दी है तो बैंगलोर वालों को है, हमें नहीं है। हम अगर 9.5 ओवर में भी कंप्लीट करेंगे तो हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे।
जयपुर बैटिंग करने आएगी उनकी बैटिंग नहीं है, बैंगलोर बॉलिंग कराएगी उनकी बॉलिंग नहीं है। तो जो बॉलिंग कराना है उसको विकेट लेने नहीं आती, जो बैटिंग कर रहा है उसे शॉट मारना नहीं आता। मजा आ जाएगा देख के। दुर्गा माँ का तिलक लगा के आई है लड़की, आज फिर जीतेगी। मैं हर मैच में बोलती हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, जब भी मैं घर से निकलती हूँ मेरी माँ मुझे टीका लगाती है, चाहे वो मैच हो या फिर जंग का मैदान हो। बैंगलोर की तरफ से मैच का पहला ओवर डालने आ गए हैं जिमी। आज लगता है कि जो आपके लकी चार्म है यही जो है रन खड़ा करके आ जाएंगे, जरूरत नहीं किसी और को भेजने की। कोशिश तो यही रहेगी है ना, कैप्टन जी उतरे हैं अभी आज मैदान में। शिखा 129 का टारगेट। टारगेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्लेइंग वेल इज इम्पोर्टेंट। सो व्हाट डू यू थिंक, योर फील्डिंग एंड बॉलिंग विल डू वंडर्स? या एब्सोल्युटली। Jaipur has to win desperately to go through the semi-finals. Bangalore also has to win, but by a margin of 60 runs. But if Bangalore loses below 60 runs or below 50 runs, then we go through. So it is very important for us to hope that Bangalore wins. Aram se, aram se. Dead, dead. 129. ज़्यादा बड़ा target है नहीं, बहुत achievable है अगर खेला जाए सलीके से तो. तो achievable हो जाएगा क्या लगता है? इंशाल्लाह यही दुआ कर रही हूँ कि बस अचीवेबल हो जाए, हम जीत जाए, हम अचीव कर ले उस टारगेट को। आज राजेश ठाकुर जो है कुछ बोल नहीं रहे, बल्ला बोल रहा है। मैंने कहा कि अपने बल्ले को कहो बातें करें, तुम चुप रहो। अंकिता शर्मा की वीक फील्डिंग और इन्हें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आज राउडी बैंगलोर को सेमीफाइनल्स तक पहुंचना है तो पूरे जयपुर की टीम को 72 रन के अंदर वापस भेजना होगा। जयपुर राजोशीले का स्कोर 15 रन पहले ओवर के बाद। वी आर गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को। आपके पास पासपोर्ट है? यस सर, पासपोर्ट है, 10 साल का वीजा है, 10 साल का यूएस का वीजा है, वो भी है, दिखाऊंगा लाके। मैंने तो अपना राशन कार्ड दे दिया इनको। दे दिया था, पीला वाला नीला वाला पता चल गया। सब दे दिया मैंने, कहा मेरे भी राशन कार्ड लगा दो लाइन पे। तो मैं लेके जाऊंगा, बराक अपना दोस्त है, बराक को बोल दूंगा तो हो जाएगा। अब मयंक आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए। Easy, easy, easy. तुम्हारा बैटिंग लाइनअप ऑर्डर क्या है? तुम कब जाओगी बैटिंग करने के लिए? मैं आखिरी में। इनके बॉलर बॉल स्पिन नहीं कर रहे, हम मार के बॉल स्पिन करके बाउंड्री मार रहे। ये स्किल है भाई, स्किल है, हर किसी के पास नहीं होता, किसी के पास नहीं होता। हमारा बॉल मारने के बाद टर्न होके बाउंड्री जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, अभी ट्रेनिंग दे देंगे। दो ओवर के बाद जयपुर का स्कोर हो गया है 27 रन फॉर नो लॉस। बॉलिंग करते हुए पहले चार ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है और ये ओवर है शिखा का ओवर। शिखा जो कि कमाल की फीमेल बैट्समैन ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी बॉलर भी है। राजीव ठाकुर आउट। वाइट बॉल। आराम से, आराम से, आराम से, काम डाउन, काम डाउन, चलो। इसी के साथ शिखा ने एक विकेट ले लिया है। राजीव आउट होकर जा रहे हैं।
बस इसी तरह खेलते रहे राउडी बैंगलोर। जयपुर राजोशीले के लिए ये मैच बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हुए। लोग आपसे काफी उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि जब राजीव ठाकुर आएगा तो जरा एक्शन होगा फील्ड में। एक्शन आज बैट से हो रहा था हाँ। लेकिन लड़की की बॉलिंग बड़ी अच्छी है। ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि बैंगलोर जीते। बैंगलोर अगर जीतता है क्योंकि बैंगलोर ने अभी तक एक ही जीता है, जयपुर ऑलरेडी दो जीत चुके हैं। अगर जयपुर ये भी जीत जाता है तो हम बाहर हो सकते हैं, लेकिन अगर बैंगलोर जीतता है सो रन रेट के हिसाब से हम क्वालिफाई हो सकते हैं और हम सेमीफाइनल्स में आ सकते हो। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और वी आर हेयर टू सपोर्ट बैंगलोर। अब अंकित आ गए हैं बैटिंग करने के लिए पारस के साथ स्ट्रेटजी बनाते हुए। शिखा एक और विकेट। यार इसको कोई दूध पिलाओ, पहले तो आवाज नहीं निकल रही लड़की की। यार मैं तो कह रही हूँ एक और विकेट लेने को, मैं तो साथ दे रही हूँ। तुम क्या खा रहे हो वहाँ बैठे बैठे, इसको भी खिलाओ यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो दही दही खा रही है। यार रुको मैं और जोर से बोलती हूँ। यार भैया माइक बढ़ाओ यार, शिखा मार देगी अगली बॉल मुझे ही। एक और विकेट जा चुका है जयपुर राज जोशीले का। अंकित आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं कामया को। अंकामे ने बोला अंकित बहुत अच्छा खेलता है, फिर अच्छा खेलता है ठीक है, पर एक दिन भी होता है आपका, शायद आज मेरा दिन नहीं था। शायद अच्छी न्यूज लेकर जाऊंगा घर। हम तो जीते ही जीते हैं मगर मैं चाहता हूँ आज बैंगलोर भी जीते तो और अच्छी पार्टी हो रात को। तुम पे सारी जिम्मेदारी आ गई है, राजीव ठाकुर ने तुम पे उंगली उठाई है, कहा कि तुम बैटिंग ले जाओ। बोलो क्या स्कोर खड़ा कर पाओगी? बताती हूँ। क्या बैट से बताओगी कि मुंह से? बैट से। अरे रैटाटुई देखी आपने, अंग्रेजी कार्टून पिक्चर, बिल्कुल वैसी दिखती है ना बेचारी, छोटी सी प्यारी सी चूहा रैटाटुई। बैटिंग करते हुए चार पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना अति आवश्यक है। चेष्टा भगत आ रही है। दो बैक टू बैक विकेट्स के बाद अब बैंगलोर का पलड़ा भारी लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या चेष्टा पारस का साथ निभाकर जयपुर को जीत की ओर ले जा पाएगी। शिखा चौधरी हैट्रिक पे। यार शिखा तुम्हारे उस बॉल के पहले मैंने यही कहा था कि एक और विकेट लोगी ना। एब्सोल्युटली, लड़की जो बोलती बहुत बढ़िया बोलती, बोलती रहो। मुझे डांट दिया यार। किसने? चौधरी ने। आपने यार, तू मेरे को कहा। शिखा के सामने है चेष्टा, देखते हैं कि क्या शिखा हैट्रिक कर पाएंगी। चेष्टा आउट होते होते बची है, बॉल स्टंप्स पे लगी और बेल्स नहीं गिरी। अब इसको बैंगलोर का बैड लक ही कहा जा सकता है। आज के बेल्स बड़े ढीट हैं। ये शिखा के समय दो दफा हो चुका है कि जब शिखा बैटिंग कर रही थी तब बेल्स नहीं गिरे, अभी जो है चेष्टा बैटिंग पे थी तब भी बेल्स नहीं गिरे। ये बेल्स क्या चिपका के रखे हैं क्या? तीन ओवर के बाद अब जयपुर का स्कोर हो गया है 34 रन्स विद द लॉस ऑफ टू विकेट्स। जीतने के लिए मैच 42 बॉल्स बचे हैं और रन है 95। अब बॉलिंग करने आ गए हैं बैंगलोर के ट्रम्प कार्ड पुरु छिब्बर, जिन्होंने कई बार अपनी बॉलिंग के दम से मैच का पासा पलटा है। कि बैंगलोर आए लेकिन उनको बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना होगा तो ही वो आ पाएगी, अदरवाइज बॉम्बे के चांसेस हैं। कमाल की बॉल डाली पुरु ने, कमाल है। पुरु इस टीम का बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट बॉलर है, इन्हें उसको याद दिलाना पड़ता है कि भैया तुम बेस्ट हो, तुम अच्छा खेल रहे हो, तुम पुरु हो। तुमसे हाँ मैं पुरु हूँ, फिर वो बॉलिंग डालता अच्छी, फिर अच्छी बैटिंग करते हो, पुरु 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 ये हो रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है कि वो पुरु है। भूल जाता है क्या? बहुत ही खतरनाक बॉलिंग कराते हुए पुरु छिपर। इस ओवर में पारस बॉल को छू भी नहीं पाए हैं, क्या इस बॉल में वो कुछ कमाल दिखा पाएंगे?
सिक्स। भाई ऐसा है कि प्रीतम पांडे, आई मीन प्रीतम के बारे में, पांडे हाँ मतलब तुम्हारी फेवरेट थी पूनम पांडे, हाँ हाँ, हमें उधर के डगआउट से, राउडी के डगआउट से एक बहुत बड़ा राज पता चला है। क्या राज है जल्दी बताओ मेरे को। तुम पर ये इल्जाम है मुझ पे कि पूनम पांडे यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो तुम्हारी भूखी हपसी नजरों से डर के भाग गई। अच्छा कामने पीछे से बोल रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। चार ओवर्स के बाद जयपुर इज 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर 5 या 6 बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है। चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको शून्य स्कोर। चैलेंज ओवर, बॉलर ने मयंक 12 रन टारगेट। जयपुरी 12 रन लिए हैं और ले ज्यादा भी सकते थे, लेकिन लालच नहीं किया क्योंकि रन रेट सब ठीक चल रहा है, हमारी रेंज में है सब चीजें, तो इसलिए 12 रन का रन लिया है। पारस आराम से देख के दो मिलेंगे, कोई टेंशन मत लेना। मयंक शर्मा फिर आ चुके हैं बॉलिंग करने, पिछला ओवर काफी अच्छा किया है और मयंक इसलिए लिया है कि बीच में एक दो फुल टॉस दे देता है, बॉलर अच्छा है लेकिन उसी उम्मीद में कि एक दो फुल टॉस देगा, तो देखते हैं। पारस पारस देख के आराम से। एक वाइट बॉल, दो बॉल 7 रन आ गए हैं, मुझे लग रहा ज्यादा ले लेना चाहिए था। यार ये चाहते हो क्या बैंगलोर जो है वो आज जीते? Yes. Desperately मैं तो यही चाहता हूँ। और अगर हारे तो आपका जो ये सेंचुरी बनाने का कार्य था ये फेल हो जाएगा यार। Obviously. जयपुर राज जोशीले ने ये चैलेंज ओवर जीत लिया है और ये बन गया है फ्रूटी BCL का मैंगो बैंगो मोमेंट। टेस्ट द मैंगो, चूस द मैंगो, टेस्ट द मैंगो, चूस द मैंगो, टेस्ट द मैंगो, चूस द मैंगो, डू इट द मैंगो। पांच ओवर के बाद जयपुर राज जोशीले 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन के साथ 30 बॉल्स बचे हैं और 62 रन बनाने। लगता है कैप्टन ने शिखा को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए क्योंकि उन्होंने अपने पिछले ओवर में 2 विकेट्स निकाले थे। ऐसा पहली बार हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ BCL कि एक लड़की को दोबारा ओवर दिया गया है। कैप्टन का ये ट्रस्ट जो है वो कमाल का है कि पहली फीमेल प्लेयर है जिन्हें 2 ओवर दिए। श्रेष्ठा शिखा की पहली बॉल को समझ ही नहीं पाई है। शी इज अ माइंड ब्लोइंग बॉलर यार। बैंगलोर की टीम में 2-3 ही अच्छे बॉलर्स हैं, उनमें से बेस्ट होगी शिखा, बिकॉज वो एक फोर्स से डालती है, हाइट से डालती है, ज्यादा वाइड नहीं देती, कॉन्सेंट्रेशन के साथ डालती है, उसकी हर बार ओवर में विकेट जरूर आती है। कम ऑन, ठीक है ठीक है, बब्बर का सपना पूरा होता हुआ। सही है सही है। बहुत सीरियसली खेल रहे हैं ये मैच और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीत सकते हैं। सेमीफाइनल्स में तो हमें नहीं लगता हम आ पाएंगे, बट जयपुर को अब हराने की प्रेस्टीज की बात होगी, 4 पॉइंट लेके जाना है बॉस। शिखा ने अपने लास्ट ओवर में 2 विकेट्स लिए थे, अगर इस ओवर में वो पारस का विकेट ले लेंगी तो बैंगलोर गेम में वापस आ जाएगा। नो बॉल, ब्रेड We'll be right back.
ने प्रूव कर दिया है कि वो कमाल की बॉलर है। फ्री हिट वाली बॉल पर भी पारस एक सिंगल भी नहीं निकाल पाए। आई थिंक शी इज वेरी गुड एंड मैं उसकी फैन हो गई हूँ एज अ प्लेयर। वेरी गुड शिखा। विमेन पावर, विमेन पावर। पुरु सही बता रहा, मस्की ने इतना अच्छा ओवर दिया है, जिमी को वो ओवर देने की जगह मस्की को देते तो सही नहीं होता। हाँ यार, हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था। मैं उसकी फैन हो गई हूँ एज अ प्लेयर। वेरी गुड शिखा। विमेन पावर, विमेन पावर। आराम से, आराम से, आराम से। बहुत बढ़िया। हमारा को कमाल की बॉलिंग करते हुए शिखा, आई फील सो प्राउड। पारस ने एक छक्का मार दिया है। शिखा, जिन्होंने अपने पिछले ओवर में दो विकेट लिए थे, क्या वो इस बॉल पे भी विकेट निकाल पाएंगी? ओ तेरी बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है, कवर 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 कवर। आज भी लेग बाय ओवर। शिखा ने अपने दो ओवर में सिर्फ 17 रन ही दिए हैं। जहां लड़कियों के ओवर में छक्के और चौके पड़ रहे हैं, वहीं सिर्फ 17 रन देना और दो विकेट भी लेना बहुत बड़ी बात है। और 6 ओवर के बाद जयपुर राज जोशीले 78 रन, दो विकेट के नुकसान पर। शिखा, वेरी वेल यार, यू जस्ट मेड मी प्राउड। मोहित वाज सेइंग कि दो छक्के तो आएंगे ही तुम्हारी ओवर में पारस के। अरे इसे क्या पता लड़कियों का जलवा। आई नो, क्रिकेट के अलावा कौन से स्पोर्ट्स में आपके इंटरेस्ट हैं? डू यू लव मार्बल्स, कंचे, गिल डंडा? मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं करती थी, मैं बहुत ही लेजी बम हूँ एक्चुअली। एंड टग ऑफ वॉर होता है ना, टग ऑफ वॉर, मैं वो करती थी स्कूल में। रस्सा कशी, क्योंकि मैं बहुत मोटी थी और सिर्फ उसी चीज में पार्टिसिपेट करती थी। आई वॉज नॉट एट ऑल अ स्पोर्ट्स पर्सन और अभी भी नहीं हूँ। बैठ के देखती हूँ क्रिकेट घर पे। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा नागिन यार, डसती हूँ मैं लोगों को। नागिन हिट है, स्पोर्ट क्या हो सकता है? डस के दिखा दूँ? कैमरामैन को भी कुछ नहीं और हमको भी नहीं। मैं तो वैसे ही तुम्हारे जहर से कायल हूँ। जिमी वापस आ गए हैं बॉलिंग करने और ये उड़ाते हुए बॉल बिल्कुल नहीं हो रही। कमाल, फ्री और एक फ्री हिट। नो बॉल मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको है ना शिखा से कुछ सीखना चाहिए। दो ओवर में उन्होंने 17 रन देके दो विकेट लिए और जिमी, मैच काफी चांस है कि हम जीत जाएंगे आज। हाँ, लेकिन ये अच्छा है कि वो फाइट दे रहे हैं, हमें ऐसे जूझ कर जीतने में एक अलग मजा है। यहाँ पे छक्के ही छक्के लगते जा रहे हैं। जैसे ही शिखा यहाँ से गई और जिमी आया,
भाई यहाँ तो मैच पलट गया एकदम. शिखा गेव अ फैब ओवर बिकॉज शी इज सच अ गुड प्लेयर. दो बैक टू बैक सिक्सेस के बाद अब मैच बैंगलोर के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है. पारस पारस रन बहुत आगे, स्कोर देख 98 ओनली 30 और सिंगल ले ले. यहाँ पर राजीव पारस को समझा रहे हैं कि अब किसी रैश शॉट की जरूरत नहीं, एक सिंगल लेकर वो स्ट्राइक अपने पास रख सकते हैं. क्या बैंगलोर सिंगल रोक पाएगा? शाबाश पारस, शाबाश शाबाश शाबाश, बस बस यही चाहिए था. ओवर. 7 ओवर के बाद 99 2 विकेट के नुकसान पर. इसे कभी पूछना नहीं चाहिए लड़की के बैग में क्या है, तुम्हारे बैग में क्या क्या है, पूछना चाह रहा हूँ. मेरे बैग में मेरा फोन है, क्रिकेट से रिलेटेड कुछ नहीं है, लिपस्टिक है एंड यस मेकअप का सामान जो होता है. भाई ये भूखी मर जाए लेकिन मेकअप का सामान लेके घूमती है लड़कियाँ. ये प्रूव करता है कि मैं एक्ट्रेस हूँ, स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ. कमाल है, वेरी नाइस. जीतने के लिए 30 रन चाहिए, 18 बॉलों में हर ओवर में 10 रन का टारगेट करना होगा कंप्लीट. पुरु छिब्बर एक बार फिर से आ गए हैं बॉलिंग करने. वाइड बॉल. के साथ राव जी बैंगलोर ने जीत लिया है ये चैलेंज ओवर एंड दिस बिकम्स द फ्रूटी बीसीएल मैंगो बैंगो मोमेंट. ओवर के बाद राउडी बैंगलोर का स्कोर है 84 दो विकेट के नुकसान पर. जयपुर राज जोशीली की लड़कियां जो है पिंक में बड़ी खूबसूरत एकदम पिंकी सी लगती थी, आज खेल भी बड़ा अच्छा रही है यार. हाँ एक्चुअली इसे पिंक में नहीं है, पिंक के साथ व्हाइट शॉर्ट्स, वो तुम भूल रहे हो. तुम एक से नजर हटाओ, लास्ट टाइम किसी एक की नजर इन पे गई थी, उनका पैकअप हो गया, उनका नाम है सुमित. ओह ऐसा, मेरे को लगा था सुमित का बैकअप तो आरती की वजह से हुआ था. सुमित की नजर हर जगह थी ना, और ये बात किसी को पता चल गई? चल गई शिवानी को पता चल गई. अरे शिवानी दर्द पहुंचा. सब ओवर वापस लेकर आ गए हैं बलराज जिनको वाइड फेंकने में महारत हासिल है. बॉलिंग बॉलिंग शाबाश 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 बल्ली. सामने जो पहलवान आई हुई है शिखा सिंह, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है नहीं इसने असली घी खाया नकली घी खाया, तो नहीं चल रही, 3 बार आउट हो गई है. मेरे ख्याल से पूनम पांडे को थोड़ा दूध दूध पिलाना चाहिए इनको यार, थोड़ा तगड़े बनाओ. पूनम पांडे को दूध पिलाना चाहते हैं प्रताप बड़ा, वेरी नोटी बॉय नोटी बॉय. लेकिन शिखा सिंह को असली घी नहीं खिलाया कह के गया प्रताप भाड़ा. आई वंडर अगर शिखा ने ये सुन लिया तो इसका घी तेल पसीना सब निकाल देगी. खतरनाक रन लिया गया है. ये क्या चक्कर है, कल से आप लोग घर नहीं गए यार, आप बनियान में बैठे हो. बनियान में इसलिए बैठे होप में कि भैया हम सेमीफाइनल्स में जाए. ये अर्जुन गायब है, अर्जुन कहाँ है? वो खुशी में घूम रहे होंगे मेरे ख्याल से. कुछ खाया तुमने? नहीं वही मेरे को ये है कि मैं व्रत रखा हुआ है, जैसे ही बैंगलोर जीतेगा तभी तोड़ूंगा मैं, मुझे लगता है. ए साबूदाना लाओ रे, साबूदाना खा लो प्लीज, साबूदाना खिलाओ भाई को फ्रूट के साथ, ये होता पैशन. अर्जुन तुम गायब हो यार चौड़े में, कि चलो तुमने जो अच्छा खेला, क्या अच्छा खेला, 50 रन तो बनाए तुमने. नहीं तुमने अच्छा खेला ना खेला, तुम्हारा शो तो नंबर वन है, क्या जरूरत है इनकी, सुपर हिट शो चल रहा है गिर जाने में. गुरमीत आउट है या नहीं ये फैसला तो एम्पायर करेंगे, लेकिन इस अपील ने बैंगलोर और मुंबई दोनों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी है. अरे आउट है यार,
आउट नहीं है, बिल्कुल आउट नहीं है, क्योंकि मैं आई प्ले फेयर गेम. निक लगा, मैंने बोल दिया निक लगा, बट जब कैच किया, कैच करने का जो फॉलो थ्रू है उसका एक हाथ ऐसे जमीन भी लगा बॉल के साथ, तो वो मान ही रहे हैं वो. तो मेरे को पॉलिटिक्स की जा रही है यहाँ पे. पिछले मैच से हो रही है पॉलिटिक्स. हाँ, तो पीछे मुंबई का मैच भी हुआ है, पूरी पॉलिटिक्स हुई है उसमें, खेली है, इसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है पूरी. ये जो जब टेलीकास्ट होगा ना, तब तेरे को पता चलेगा तेरे फैंस लोग की कुछ चीटर है. अगली बार स्लीकोमीटर लगाऊंगा अपने पैसे से, ये प्रूफ करने के लिए कि मैंने सही कैच पकड़ा था. भाई शिखा, तुम्हारे हिसाब से आउट नहीं था क्या? मैं बल्ला मारूंगी. मेरे को क्यों मारोगी बल्ला? नहीं है, नॉट आउट है. नॉट आउट है. जब डाउट है अगर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो उसको ही मिलना चाहिए ना. दिख रही है टप्पा हो रहा है यार, हर चीज बैंगलोर के साथ ही गलत होती है. मैंने देखा यहाँ पे तो मामला काफी गर्म हो चुका है. गुरमीत के आउट हो जाने से अब बैटिंग की बारी आ गई है अगले बैट्समैन जिमी की. विराट ठाकुर चल गया. विराट ठाकुर हमेशा चलता है. तो नहीं, पिछले मैच में तो ऐसा हो ना पाया था. आपने कान में जाके याद दिलाया था कि तू ही मेरा लकी चाउ है, वरना फोन तोड़ दूंगी. तुमको ये बोलने से खुशी मिलती है तो तुम बोलो. बहुत मजा आता है मुझे, बहुत मजा आता है मुझे. फोन तोड़ दिया मतलब मुझे ऐसी पंजाबी खून वाली लड़कियां बड़ी पसंद है. बताओ, आज राजीव ठाकुर स्पेशल पार्टी मिलने वाली है? पूरी टीम को मिलेगी स्पेशल पार्टी अगर हम जीत गए तो. और शालिन? शालिन को मैं पार्टी में अपने साथ लेकर जाऊंगी. बलराज के लगातार दूसरे विकेट से अब बैटिंग पर आना पड़ रहा है नए बैट्समैन मोहित को. कम ऑन मोहित, हैट्रिक. सात ओवर के बाद राउडी बैंगलोर्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन्स. काम्या, तुम वहाँ खड़ी हो इसलिए हुआ ये. हुआ ना, खत्म हो गई बात. वो तो होना ही था. इसे कहते हैं वन टाइम स्लैप. अच्छा, ये राउडी बैंगलोर के डगआउट में वाली के लिए. देखो, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि जीतेगी तो बैंगलोर ही. अरे छोड़ो ये सपने देखना बंद करो, दिन में जयपुर जीतेगा. भाई हम घर से निकले थे ना सब, तो ये बोल के निकले थे कि हम जीत गए. अब 8वां ओवर करने आ गए हैं प्रताप हाडा, जिनका सामना करेंगे शिखा चौधरी. भाग 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 भाग. बॉल है यार. गुड बॉल, गुड बॉल. आज कितने पे पैकअप करने वाले तुम इनका? 120 से अंदर निपटा देंगे हम लोग. 120 से अंदर निपटा दोगे? 91 स्कोर हो चुका है. हाँ, अभी मेरा एक ओवर बाकी है और एक लड़की का ओवर बाकी है. पर शालिन मल्होत्रा कह रहे थे कि तुम लोग नहीं जीत पाओगे. शालिन मल्होत्रा को बोल, होता कौन है वो बोलने वाले. बहुत अच्छे गगन, ऐसे ही फील्डिंग करते रहिए ताकि स्कोर्स हमारे बनते रहे. चौका. आधा नागिन की तरह ही लहराई और बॉल छूट गई. आठ ओवर हो गए हैं. राउडी बैंगलोर का स्कोर 30 एक्स्ट्रा रन्स के साथ 95 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर. 7 से 10 ओवर के बीच में भी एक लड़की का ओवर होना अनिवार्य है. नलिनी नेगी आ गई है बॉलिंग करने, जिनका सामना करेंगी शिखा चौधरी, जो है BCL की सुपर वुमन.
एक नए वुमेन प्लेयर का नाम लेना चाहूंगा मैं, शिखा। इतना कॉन्फिडेंस से खेली है कि लड़कों का कॉन्फिडेंस एकदम खत्म कर दिया उस लड़के। वेरी गुड फील्डिंग, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग। वेरी वेल फील्डेड यार, एंड शी हैज प्रूव्ड इट अगेन। जिनके चोट लगी है, पट्टियां बांधी हुई है, कई बैंडेजेस बंधी हुई हैं, उनका उतनी ही डेडिकेशन से मैच को खेलना और अपने आप को प्रूफ करना बहुत बड़ी बात है। और ये आते से शिखा ने विकेट ले ली है। बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेंथ है, एकदम स्ट्रेट बॉल करती है, विकेट पे करती है, अगर छूट गई तो गए, आप आउट हो फॉर श्योर। क्या हो रहा है भाई? बॉस, इस बार लड़कियों से जरूर बच के रहना। मार! नलिनी नेगी ऐसी बॉलिंग करती है जैसे बहारों फूल बरसाओ। छक्का लगा। एक और छक्का। और इसी के साथ हमारे राउडी बैंगलोर का स्कोर 9 ओवर के बाद 124 for 4। सोचा था उसके आसपास तो आई गए, 128 के आसपास आ गए हैं। अभी आखिरी ओवर है, अगर दो बॉल पे दो चौके भी आ गए तो वी आर सेफ। शालीन की उम्मीदें बन सकती हैं इस नाते। जयपुर की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं उनके सबसे अच्छे बॉलर पारस बब्बर। पारस की लगातार 3 डॉट बॉल्स ने बैंगलोर और मोहित के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ा दिया है। करो या मरो के इस मैच में बड़ा शॉट्स लगाए बिना जीत की कल्पना करना बेकार है। आखिरी बॉल इस ओवर की बॉल।